हेलो फ्रेंड्स, तो लास्ट टाइम हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मीन, मेडियन, मोड, ये तीनों चीजें देखी थी। मीन में हमने और तीनों मेथड देखी थी, डायरेक्ट मेथड, डेविएशन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। मोड में हमने कैलकुलेशन भी देखा था और बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड यानी हिस्टोग्राम किस तरह मोड निकाला जाता है वो भी देखा था। साथ ही में मीन में हमने एक नया कंसेप्ट देखा था, कंबाइंड मीन, ठीक है। और मेडियन का हमने कैलकुलेशन चीज तो देख ली थी, ठीक है, लेकिन मैंने कहा था मेडियन आपको ग्राफिकल मेथड से भी निकाला जा सकता है और वो कौन सा ग्राफ है ये सब चीजें हम आज देखेंगे। बेसिकली ग्राफिकल मेथड में मैंने तीन प्रेजेंटेशन बताए थे, पाई चार्ट जो हमने लास्ट सेशन में एक्सप्लेन किया था, हिस्टोग्राम जो मैंने फिर से एक्सप्लेन किया था लास्ट सेशन में, एंड द लास्ट इज ओग्यूव कर्व, वो एक हमारा एक्सप्लेन करना बचा है। तो बस अब आप सबसे पहले देखोगे कि ओग्यूव कर्व दिए हुए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से ओग्यूव कर्व किस तरह निकाला जाता है और बाय यूजिंग ओगिव कर्व ही मेडियन किस तरह से फाइंड किया जाता है। बेसिकली मेडियन फाइंड करने के लिए जो ग्राफ लगता है उस ग्राफ को कहा जाता है ओगिव कर्व, ठीक है। तो चलो अब हम देखेंगे पहले तो ओगिव कर्व निकालना कैसे और बाय यूजिंग, जैसे मैंने पहले लास्ट टाइम आपको बताया था कि हिस्टोग्राम कैसे निकलता है और बाय यूजिंग हिस्टोग्राम आप मोड कैसे निकालते हो, बस दो डायगोनल का खेल था। उसी तरह पहले हम देखेंगे ओगिव कर्व कोई भी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे कैसे निकाला जाएगा और उसके बाद हम देखेंगे By using ओगिव curve, how to find median, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। Suppose ये एक डेटा है, आपको यहाँ दे दिया है क्लासेस, यहाँ आपको दे दिया है फ्रिक्वेंसी 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50, ठीक है। ये आपको फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है और इसकी फ्रिक्वेंसी दिया है 2, 8, 3, 5, 6, ठीक है। अब ओगिव कर्व, मैंने आपसे कहा था ओगिव कर्व दो टाइप के, ओगिव कर्व्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ओगिव कर्व, फर्स्ट इज लेस देन ओगिव कर्व एंड सेकंड इज मोर देन ओगिव कर्व। अब सबसे पहले हम देखेंगे लेस देन ओगिव कर्व। तो लेस देन ओगिव कर्व किस तरह निकाला जाता है, लेस देन, जैसे मैंने कहा था हिस्टोग्राम इज अ ग्राफ ऑफ क्लासेस वर्सेस फ्रीक्वेंसी, क्लासेस वर्सेस फ्रीक्वेंसी, ये देखा था हिस्टोग्राम। अब लेस देन ओगिव कर्व कैसे निकाल, डेटा तो इतना ही दिया होगा आपको, यहां आपको क्लासेस दिया या फ्रीक्वेंसी दी है, डेटा इतना ही दिया है। अब ओगिव कर्व निकालना है, उसमें भी लेस देन ओगिव कर्व, वो कैसे निकालेंगे, सो लेस देन ओगिव कर्व इज अ ग्राफ ऑफ अपर लिमिट वर्सेस एलसीएफ, अपर लिमिट वर्सेस एलसीएफ। देखो यहां पे पूरा क्लास नहीं लगता है आपको, क्लास का पूरी टर्मिनोलॉजी पता है, इसको कहा जाता है लोअर लिमिट ऑफ द क्लास और इसको राइट हैंड साइड के फिगर्स को कहा जाता है अपर लिमिट। तो जैसे हिस्टोग्राम में हम पूरा 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 क्लास लेते थे, लेकिन ओगिव कर्व में, वो भी लेस देन ओगिव कर्व में, हमें सिर्फ क्या देखना है, अपर लिमिट, अपर लिमिट वर्सेस, जैसे वहां पे हमें फ्रीक्वेंसी लगती थी हिस्टोग्राम में, यहां फ्रीक्वेंसी नहीं लग रही, यहां क्या लग रही है, एलसीएफ, एलसीएफ यानी लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसकी बात मैं फर्स्ट सेशन में ऑलरेडी कर चुका हूं कि इसको कहा जाता है इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी। इससे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दो टाइप की बनती है, एक लेस देन, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, ऊपर से नीचे तक, टॉप टू बॉटम अप्रोच ऑफ फ्रीक्वेंसी एडिशन, एक एक करके फ्रीक्वेंसी ऐड करो ऊपर से नीचे तक। और दूसरा बनता है मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो होता है नीचे से ऊपर एक एक करके फ्रीक्वेंसी को ऐड करना, तो उसकी बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हमें क्या लग रहा है, एलसीएफ, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब वो कैसे निकालते हैं, हम ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम अप्रोच ऑफ फ्रीक्वेंसी एडिशन, 2 एज इट इज, 2 + 8 = 10, 10 + 3 = 13, 13 + 5 = 18 एंड 18 + 6 = 24, ठीक है। तो फिनिश, लेस देन ओगिव कर्व इज अ ग्राफ ऑफ अपर लिमिट, जो कि क्वेश्चन हमेशा देगा, एंड एलसीएफ, एलसीएफ नहीं भी दिया तो दिए हुए फ्रीक्वेंसी से एलसीएफ कैसे निकालना हमें पता है, ऊपर से नीचे तक एक एक फ्रीक्वेंसी ऐड करो। अब शुरू करेंगे हम ग्राफ निकालना। एक चीज मैंने लास्ट सेशन में आपसे कही थी कि स्टैटिस्टिक्स में कोई भी ग्राफ हो, आप क्लासेस रिलेटेड हर चीज, फिर वो लोअर हो, अपर हो या पूरा क्लास हो, क्लासेस रिलेटेड हर चीज एक्स एक्सिस पर लोगे एंड फ्रीक्वेंसी रिलेटेड हर चीज वाई एक्सिस पर लोगे, फिर वो इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी हो या क्यूमुलेटिव। तो चलो क्लास में यहाँ हाइएस्ट हमें लगता है 50 और एक चीज आपने देखी थी, ये पॉइंट तो हमेशा जीरो होता है जहां दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। अब अपर लिमिट हमें मैक्सिमम 50 तक चाहिए, मैं 10-10 का डिफरेंस लेता हूं, 10, 20, 30, 40, 50।
और एक चीज मैंने ये भी कही थी, आप चाहे जो मर्जी स्केल ले सकते हो, फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने 10-10 का डिफरेंस लिया है, आप 5-5 का भी ले सकते हो, 20-20 का भी ले सकते हो। फ्रीक्वेंसी में हाईएस्ट चाहिए हमें 24, तो आप 2-2 की स्केल ले सकते हो, 1-1 की ले सकते हो, मर्जी आपकी। ठीक है, तो यहां पे मैं अगर 2-2 की स्केल लू तो ये हो गया 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, थोड़ा सा और लाइन एक्सटेंड करना होगा, 22, मैक्सिमम 24 तक कवर होना चाहिए। हो गया, 24 तक कवर हो गया है। ठीक है, तो ये स्केल हो गई मेरी 2-2 की ऑन वाई एक्सिस। अब शुरू करो, शुरू कैसे करना है, तो अपर लिमिट पहला कौन है 10 और उसकी रेस्पेक्टिव एलसीएफ कौन है 2। तो अपर लिमिट 10, अपर लिमिट हमने कहा लिखा है एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस से 10 को पकड़ो और LCF less than cumulative frequency 10 की respective LCF कौन है 2, और ये LCF हमने कहा लिखा है y axis, तो y axis से 2 को पकड़ो और बस इस 10 और 2 का जो intersection point है, this is your first point। क्या करना है यहाँ पे, कोई bar raise नहीं करना है यहाँ पे, क्या करना है आपको, एक एक point plot करना है। points भी कैसे plot करना है, तो upper limit में सबसे पहला है 10 और उसकी respective LCF है 2, तो upper limit जब भी बात करेंगे हम x axis से देखेंगे, अपर लिमिट की जब भी बात होगी हम एक्स एक्सिस से देखेंगे, सारे अपर लिमिट लोअर लिमिट हमने एक्स एक्सिस पे लिखे। फ्रीक्वेंसी, फिर वो एलसीएफ हो या कोई भी हो, फ्रीक्वेंसी हमेशा हम वाई एक्सिस से देखेंगे, तो अपर लिमिट है 10, आया एक्स एक्सिस से 10, उसकी रिस्पेक्टिव एलसीएफ है 2, आया वाई एक्सिस से 2, और दोनों जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे दैट इज योर फर्स्ट पॉइंट 10 एंड 2। सेम उसी तरह बाकी के पॉइंट, नेक्स्ट अपर लिमिट इज 20, उसका एलसीएफ इज 10, अपर लिमिट इज 20, एक स्ट्रेट लाइन, और एलसीएफ इज 10, एक स्ट्रेट लाइन, बस ये दोनों एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट करेंगे वो आपका सेकंड पॉइंट। नेक्स्ट अपर लिमिट 13 कहां आएगा, देखो 30 तो यहां आ गया, लेकिन 13 कहां आएगा एग्जैक्टली, ये 12 है ये 14 है, सो 12 और 14 के एग्जैक्ट बीचों बीच वाला लाइन, बीचों बीच वाला पॉइंट ये है 13, बस 13 और 30 एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट करेंगे थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट 40 एंड 18 तो आया यहां से एंड 40 आया यहां से एक्स एक्सिस से, क्योंकि अपर लिमिट है, 18 इज द एलसीएफ, वो वाई एक्सिस से आया। चौथा पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट, लास्ट अपर लिमिट, यहां पे पांच ही क्लास दिए तो 5 पॉइंट प्लॉट होंगे, तो नेक्स्ट अपर लिमिट इज 50, उसका रिस्पेक्टिव एलसीएफ इज 24, सो 24 एंड 50, फिनिश, दिस इज योर लास्ट पॉइंट। तो आपने इस ग्राफ में 5 पॉइंट प्लॉट किए हैं, अपर लिमिट वर्सेस एलसीएफ। अब दोनों को 1, 2, 3, 4, 5 दोनों को इंटरसेक्ट करते गए, अपर लिमिट एक्स एक्सिस से लेते गए, एलसीएफ वाई एक्सिस से लेते गए, दोनों एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको आप पॉइंट बोलते गए। ऐसे आपने 5 पॉइंट्स प्लॉट किए क्योंकि 5 यहां पे पेयर पॉसिबल है, अपर लिमिट एलसीएफ, अपर लिमिट एलसीएफ, इस तरह से 5 पेयर्स आपको मिली पॉइंट की, और वो 5 पेयर्स ऑफ पॉइंट आपने यहां पे प्लॉट कर दिए। अब एक क्या करना है, कर्व, लेस देन, नाम क्या है उसका, लेस देन ओगिव कर्व। कर्व मतलब हमेशा क्या होता है, फ्री हैंड। हिस्टोग्राम में आपने देखा था हमने क्या यूज किया था, स्केल बार रेज करने के लिए, लेकिन वहां पे स्ट्रेट लाइन चाहिए, यहाँ पे हमें कर्व चाहिए। कर्व मतलब क्या होता है, फ्री हैंड कर्व। एक फ्री हैंड कर्व निकालो जो इन सारे पॉइंट्स में से पास हो जाए। यहाँ पे बिल्कुल स्केल यूज मत करना कि दो पॉइंट पकड़े स्केल ड्रॉ की, दो पॉइंट पकड़े स्केल से लाइन ड्रॉ की, दो पॉइंट पकड़े स्केल से लाइन ड्रॉ की, ऐसा बिल्कुल मत करना। एक फ्री हैंड कर्व निकालो, फ्री हैंड, जो इन सारे पॉइंट में से पास हो जाए। अब फ्री हैंड कर्व कैसा होता है, एक बार पेन रखा कि जब तक वो पेन या पेंसिल जो भी है वो एक बार रखने के बाद जब तक वो सारे पॉइंट में से पास ना हो जाए तब तक आप पेन या पेंसिल उठाना नहीं है। ठीक है, तो चलो एक फ्री हैंड कर्व हम निकालेंगे, यहां से शुरू करते हैं हम, सारे पॉइंट में से पास होता हुआ, सारे पॉइंट में से पास होता हुआ पेन पेंसिल तब तक उठाना नहीं है, दिस इज योर लेस देन ओगिव कर्व, खत्म। मैंने जो यहां से शुरू किया बिना पेन पेंसिल को उठाए, कोई स्केल को ना यूज करे, इन सारे पॉइंट में से पास होता हुआ एक फ्री हैंड कर्व निकाला, दिस कर्व इज कॉल्ड लेस देन ओगिव कर्व।
ठीक है, आपने क्लियरली देखा कि मैंने यहां से एक फ्री हैंड कर्व निकाला, मतलब यहां मैंने पेन रखा अपना, आप पेंसिल से कर रहे हो तो पेंसिल रखो, इन सारे पॉइंट में से पास होता हुआ एक कर्व उसको कहा जाएगा लेस देन ओगीव कर्व, क्योंकि ये सारे पॉइंट कौन से है अपर लिमिट वर्सेस एलसीएफ के, और उसमें से जो कर्व निकलता है उसको कहा जाता है लेस देन ओगीव कर्व। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट का ये मिसकंसेप्शन होता है, सर हम ओरिजिन से स्टार्ट करना है, सर हमने एक्स एक्सिस से स्टार्ट करना है, सर हमने कहां से स्टार्ट करना है, आप कहीं से भी स्टार्ट करो। लेस देन ओगीव कर्व का ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि ओरिजिन से स्टार्ट करो या ये एक्स एक्सिस के पॉइंट से स्टार्ट करो, मैं तो बोलता हूं आप यहां से स्टार्ट करो, आप यहां से स्टार्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी सबसे मेन कंडीशन क्या है, आप कहीं से भी स्टार्ट करो डजंट मैटर, लेकिन आपने जैसे स्टार्ट किया वो कर्व सारे पॉइंट में से पास हो जाना चाहिए। उसकी मेन कंडीशन है आप कहीं से भी स्टार्ट करो, बट जैसे स्टार्ट किया बिना पेन पेंसिल उठाए वो कर्व ये सारे पॉइंट में से पास हो जाना चाहिए। बिना पेन पेंसिल उठाए क्यों, तो वो स्मूथ निकलेगा। सर हमने गलती से पेन उठ गई तो गलत हो गया, गलत नहीं होगा लेकिन वो उतना स्मूथ नहीं जाएगा जितना ये स्मूथ गया। ठीक है, वो जबरदस्ती निकालने वाली चीज हो जाएगी, ये क्या हुआ स्मूथली निकल गया। तो एक वो मिसकंसेप्शन किसी के माइंड में होगा तो दिमाग से हटा दो कि सर हमने ओरिजिन से स्टार्ट करना है एक्स एक्सिस से, कहीं से भी स्टार्ट करो। इनफैक्ट आप, मैंने तो कहा आप यहां से भी कर सकते हो, या फिर आप देख भी सकते हो कि मैंने जहां से शुरू किया वो ना ही ओरिजिन है ना ही एक्स एक्सिस है, मैंने तो बीच में से यहीं से शुरू कर दिया, मैंने ना ही एक्स एक्सिस को पकड़ा है ना ही ओरिजिन को, बीच में से शुरू किया, लेकिन मेरे सारे कर्व में देखोगे आप तो इस कर्व में सारे पॉइंट पास हो रहे हैं, यस सारे पॉइंट कवर हो गए, बस ये है आपका लेस देन ओगीव कर्व। क्लियर, सो लेस देन ओगीव कर्व ये रहा। अब हम देखते हैं मोर देन ओगीव कर्व, इसी ग्राफ में हम मोर देन ओगीव कर्व देखेंगे। ठीक है, इसी ग्राफ में मोर देन ओगीव कर्व, चलो देखते हैं हम मोर देन ओगीव कर्व। अब देखते हैं मोर देन ओगीव कर्व इज अ ग्राफ ऑफ लोअर लिमिट, लेस देन के लिए अपर लिमिट यूज हुई तो अब जो बच गया यानी लोअर लिमिट यूज होगी मोर देन के लिए, वर्सेस वहां लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यूज हुई, ये मोर देन ओगीव कर्व है इसलिए मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सो लेस देन ओगीव कर्व में कंपलसरी अपर लिमिट और वो लेस देन था इसलिए लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मोर देन ओगीव कर्व में कंपलसरी जो बच गया यानी लोअर लिमिट और वो मोर देन है इसलिए मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और ये चीज हम लास्ट सेशन में देख ही चुके हैं यानी फर्स्ट सेशन में कि एलसीएफ निकाला जाता है टॉप टू बॉटम अप्रोच ऑफ फ्रीक्वेंसी एडिशन, और उसी तरह मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली जाती है बॉटम टू टॉप अप्रोच ऑफ फ्रीक्वेंसी एडिशन। मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी, बॉटम टू टॉप नीचे से ऊपर एक एक इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी को एड करो, लेकिन नीचे से ऊपर, एलसीएफ में आप ऊपर से नीचे आए, एमसीएफ में आप नीचे से ऊपर जाओ, मतलब इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी ये रही उसका 6 नीचे वाली फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज, जैसे यहाँ पे हमने 2 एज इट इज रखा था ऊपर वाली, यहाँ पे नीचे वाली एज इट इज, और एक एक इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी ऐड करो और उसके सामने लिखो 6 प्लस 11 6 प्लस 5 11, यहाँ लिख दो 11 प्लस 3 14, यहाँ लिख दो 14 प्लस 8 22, यहाँ लिख दो 22 प्लस 2 24, यहाँ लिख दो, ये हुआ मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे ये हुई लोअर लिमिट। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो मोर देन ओगीव कर्व है वो आपको किसका निकालना है, पहले आप इतना करो, पहले आप इतना निकाल लो क्योंकि नहीं तो बाद में और कंफ्यूजन होगा किसका पॉइंट क्या है। सो पहले आप लेस देन ओगीव कर्व निकाल लो, फिर उसी ग्राफ में हम निकालेंगे मोर देन ओगीव कर्व। ठीक है, तो इतना निकाल लो, लेस देन ओगीव कर्व इज अ ग्राफ ऑफ अपर लिमिट वर्सेस एलसीएफ, वो निकल गया है। अब नेक्स्ट हम निकालेंगे मोर देन ओगीव कर्व विच इज अ ग्राफ ऑफ लोअर लिमिट वर्सेस एमसीएफ, और इसलिए हमने एमसीएफ भी निकाल लिया। एमसीएफ निकाला जाता है बॉटम टू टॉप अप्रोच ऑफ फ्रीक्वेंसी एडिशन, फर्स्ट नीचे की एज इट इज 6 प्लस 5 11 11 प्लस 3 14, उस तरह से।
सेम है, लोअर लिमिट हमें चाहिए 40 तक, ऑलरेडी एक्स एक्सिस पर 40 तक हमारा कवर्ड है, और एमसीएफ मैक्सिमम है 24, वो भी हमारा कवर्ड है। तो हम उसी ग्राफ में अब मोर देन ओगिव कर्व निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। अब यहां पे देखो, सबसे पहले जैसे हमने अपर लिमिट पकड़ा था और उसके लिए एलसीएफ पकड़ा था, इस बार अब क्या देना है, एल लोअर लिमिट लेना है और उसके साथ एमसीएफ पकड़ना है। लोअर लिमिट एमसीएफ, उनकी रिस्पेक्टिव पेयर का पॉइंट प्लॉट करो। लोअर लिमिट एमसीएफ, उनकी रिस्पेक्टिव पेयर का पॉइंट प्लॉट करो। इस तरह से आपको इस बार भी 1, 2, 3, 4 और 5 पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, और बस उन 5 पॉइंट में से निकलता हुआ एक फ्री हैंड कर्व निकाल लो, वो कहलाएगा मोर देन ओगिव कर्व। तो शुरू करते हैं 0, 24। 0 अब क्या है, लोअर लिमिट, लोअर अपर लिमिट या क्लास रिलेटेड कोई भी चीज, लोअर हो अपर हो या क्लास रिलेटेड कोई भी चीज हो, वो हम कहां से देखते हैं, एक्स एक्सिस से। तो एक्स एक्सिस पे 0 यानी ये तो फेमस पॉइंट है, 0 यानी एक्स और वाई एक्सिस का इंटरसेक्शन। तो यहां से अब आपको देखना है लोअर लिमिट यानी 0 से, और कहां तक देखना है, उसके रिस्पेक्टिव एमसीएफ तक यानी 24। तो 0 से निकलती हुई लाइन यानी खुद कौन, वाई एक्सिस, और वो 24 को जहां भी इंटरसेक्ट करेगी, ये मिल गया आपको फर्स्ट पॉइंट। 0 आपने देखना है लोअर लिमिट के लिए, 0 यानी एक्स एक्सिस से 0, ये वाली लाइन। देखो बाकी 10 के लिए मैंने एक डॉटेड लाइन निकाली थी, 20 के लिए डॉटेड, 30 के लिए डॉटेड, 0 के लिए जो लाइन निकालना है वो जरूरत ही नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट निकली हुई है। इसी लाइन को हम बोलते हैं वाई एक्सिस, इसी लाइन को कहा जाता है हॉरिजॉन्टल को एक्स एक्सिस। तो बाकी सबके लिए तो भी आपको स्पेस में लाइन निकालनी पड़ी थी, 0 से लाइन निकालने की जरूरत ही नहीं, वो क्योंकि कुदरती निकली हुई है। 0 से जो वर्टिकल लाइन निकलती उसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल को एक्स एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, तो लोअर लिमिट 0 लेना, यानी 0 ये हो गया लोअर लिमिट है 0, और उसमें भी कौन सा पॉइंट देखना है, एमसीएफ का, लोअर लिमिट वर्सेस एमसीएफ। तो 0 का रिस्पेक्टिव एमसीएफ कौन है, 24। तो यहां से जो स्ट्रेट लाइन जा रही है वो जब तक 24 को टच नहीं कर रही है, देखो यहां पे टच किया, ये स्ट्रेट लाइन यानी वाई एक्सिस जब तक 24 को टच नहीं कर रही है, तब तक चलो आगे बढ़ो बढ़ो बढ़ो। जैसे आपको 24 वाला पॉइंट दिखा, ये मिल गया आपको फर्स्ट पॉइंट, 0 to 24। जैसे 10 to 2 आपने देखा था, ये 10 ये 2 पॉइंट को ज्वाइन कर लिया, 10 2 इंटरसेक्शन को आपने फर्स्ट पॉइंट बोला, ये 20 और 10 को, 20 10 इंटरसेक्शन को सेकंड पॉइंट बोला। उसी तरह करना है 0 और 24। सो 0 और 24 ऑलरेडी ये जो इंटरसेक्शन मिला है वाई एक्सिस पर, 0 होने के वजह से पॉइंट आपको डिक्टो कहां मिलेगा, वाई एक्सिस पर। 10 होता, 20 होता, 30 होता, जो आगे आने वाले आप देखोगे तो आपको स्पेस में मिलेगा। ठीक है, 10, 20, 30 के पॉइंट सारे स्पेस में मिलेंगे, लेकिन 0 का पॉइंट होने की वजह से, 0 मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट एक्स और वाई एक्सिस का इंटरसेक्शन। तो 0 पॉइंट होने की वजह से आपको ये एग्जैक्ट पॉइंट कहां मिल रहा है, वाई एक्सिस पर, वो भी कहां तक, जब तक उसकी रिस्पेक्टिव एमसीएफ यानी 24 ना मिल जाए। हो गया, सो 0 to 24 का फर्स्ट पॉइंट रहा ये। नाउ सेकंड पेयर, सेकंड लोअर लिमिट कंपलसरी इस बार क्या देखना है, अब लोअर लिमिट एमसीएफ, लोअर लिमिट एमसीएफ। तो सेकंड लोअर लिमिट है 10, उसका रिस्पेक्टिव एमसीएफ है 22। तो देखो ये रहा 10, बट 10 को इस बार हमें कहां तक एक्सटेंड करना है, जैसे हमने एलसीएफ के लिए यहां तक ही किया था, लेकिन अब एमसीएफ के लिए हमें कहां तक करना है, 10 का रिस्पेक्टिव एमसीएफ है 22 यानी ये वाला पॉइंट। तो चलो 10 को एक्सटेंड करो, 10 के लाइन को एक्सटेंड करो यहां तक, ये मिला आपको सेकंड पॉइंट। ठीक है, ये रही 10 की लाइन, 10 के लाइन को हमने एक्सटेंड किया यहां तक, ये मिल गया आपको सेकंड पॉइंट, लोअर लिमिट 10, उसका रिस्पेक्टिव एमसीएफ 22, 10 और 22। देखो 10, 20 सबके पॉइंट आपको स्पेस में मिलेंगे, लेकिन 0 का पॉइंट आपको मिला वाई एक्सिस पर। तो पहला 0, 24 ये रहा फर्स्ट पॉइंट, दूसरा 10 एंड उसकी एमसीएफ थी 22, लोअर लिमिट इज 10, एमसीएफ इज 22, ये मिला सेकंड पॉइंट। नाउ थर्ड, लोअर लिमिट इज 20, एमसीएफ इज 14, 14 का आएगा यहां पे, और लोअर लिमिट इज 20, 20 की लाइन यहां तक ऑलरेडी आ चुकी है, वहां से और थोड़ा एक्सटेंड कर लो, कहां तक, जब तक ये 14 वाले पॉइंट को टच ना कर जाए, जब तक ये 14 वाले पॉइंट को टच ना कर जाए, तब तक ये 20 की लाइन यहां तक आ चुकी थी,
लेस देन ओगिव कर निकालने के लिए उसको और एक्सटेंड किया, बस ये 14 और 20 का इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट 30 ये रहा, 30 की लाइन ऑलरेडी निकल चुकी है, बट उसको कहां पे कट करना है, 11 पे। 11 कहां आएगा, ये रहा 10, ये रहा 12, 10 और 12 का एग्जैक्ट मिडल पॉइंट, 10 और 12 का एग्जैक्ट मिड पॉइंट। ये 30 को कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, यहां, ये हुआ आपका थर्ड पॉइंट। और इसलिए मैंने कहा कि पहले लेस देन ओगिव कर्व निकाल लो, नहीं तो फिर कौन सा पॉइंट किसका है पूरा कंफ्यूजन होगा एग्जाम में भी। इनफैक्ट याद रखना, जब भी अगर आपको इस तरह से निकालना पड़े तो आप हमेशा क्या करना है, आपको हमेशा पहले एक एक कर्व के पॉइंट प्लॉट करना है, वो कर्व पूरा निकाल लेना है, फिर दूसरे कर्व के पॉइंट प्लॉट करना है। बाय चांस आपको अगर लेस देन और मोर देन दोनों कर्व एक ही ग्राफ में निकालना है, सो दोनों कर्व अगर एक ही ग्राफ में निकालना है तो पहले लेस देन के सारे पॉइंट निकाल लो, उसको ज्वाइन कर लो, एक कर्व को फिनिश करो, लेस देन ओगिव कर्व हो गया, फिर अब मोर देन के पॉइंट को प्लॉट करो, यानी लोअर लिमिट वर्सेस एमसीएफ, लोअर लिमिट वर्सेस एमसीएफ को बाद में प्लॉट करो जब ये पूरा कर्व निकल जाएगा, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा कौन सा पॉइंट किसका है, ठीक है, और गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए याद रखो, पूरी मेहनत पे अगर पानी नहीं जाना चाहिए तो पहले लोअर लिमिट, ये जो आपका लेस देन ओगिव कर्व है यानी अपर लिमिट वर्सेस एलसीएफ, लेस देन ओगिव कर्व यानी अपर लिमिट वर्सेस एलसीएफ के पॉइंट प्लॉट करो, एक कर्व निकाल लो जिसको आप लेस देन ओगिव कर्व बोलते हो सेम इसी तरह, और बाद में फिर मोर देन ओगिव कर्व के पॉइंट प्लॉट करो, मोर देन ओगिव कर्व के पॉइंट यानी लोअर लिमिट वर्सेस एमसीएफ, लोअर लिमिट वर्सेस एमसीएफ, ठीक है। तो देख लो, 0, 24 ये फर्स्ट पॉइंट वाई एक्सिस पर, 10, 22 ये मिला 10 और 22 का सेकंड इंटरसेक्शन पॉइंट, 20 एंड 14, 20 की लाइन वहां तक एक्सटेंड किया जब तक 14 की लाइन उसको टच ना करें, 20 आया लोअर लिमिट यानी एक्स एक्सिस से, 14 है मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी यानी वाई एक्सिस से दोनों एक दूसरे को जहां टच करेंगे ये हुआ आपका थर्ड पॉइंट। देन फोर्थ 30 एंड 11 कहां आएगा, 10 और 12 के बीचों बीच यानी मिड पॉइंट, उसको हमने एक्सटेंड किया कहां तक, जब तक वो 30 की लाइन, देखो 30 की लाइन ऑलरेडी हमने ड्रॉ कर दी थी, 30 की लाइन ऑलरेडी एक्सटेंडेड है लेस देन ओगिव कर्व के लिए, तो 10 और 12 का बीच वाला पॉइंट 11 जब तक ये 30 की लाइन को इंटरसेक्ट नहीं करता हमने उसको एक्सटेंड किया, वो जहां भी इंटरसेक्ट करेगा दिस इज योर फोर्थ पॉइंट। एंड द नाउ लास्ट 46, 40 की लाइन भी देखो ऑलरेडी एक्सटेंडेड है लेस देन ओगिव कर्व के लिए, अब 6 वाली लाइन हमें, 6 क्या है मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी यानी वाई एक्सिस से, तो 6 यानी वाई एक्सिस से हमें खींचना है तब तक जब तक वो 40 के लाइन को कहीं टच ना कर जाए, तो 40 के लाइन को जहां भी टच करेगा ये हुआ आपका फिफ्थ पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन। देखो 0, 24 का ये रहा फर्स्ट पॉइंट, 10, 22 का सेकंड पॉइंट, 20, 14 का थर्ड पॉइंट, 30, 11 का फोर्थ पॉइंट एंड 46 का फिफ्थ पॉइंट। 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 पॉइंट को इग्नोर करो, ये 5 पॉइंट आपको बिल्कुल दिख नहीं रहे, ठीक है, क्योंकि ये 5 पॉइंट किसके हैं लेस देन ओगिव कर्व के, इसको इग्नोर करो। अब हमें निकालना है मोर देन ओगिव कर्व, मोर देन ओगिव कर्व यानी लोअर लिमिट वर्सेस एमसीएफ की पेयर, तो वो हमने कितने निकाले हैं, 1, 2, 3, 4, 5 बस। और अब कर्व निकालने का तरीका आपको पता है, सेम वही तरीका जो लेस देन में था, एक फ्री हैंड कर्व निकालो जो इन सारे पॉइंट में से पास हो जाए। सो 1, 2, 3, 4 एंड 5 इन पांचों पॉइंट में से पास होता हुआ एक फ्री हैंड कर्व पास, दिस इज कॉल्ड मोर देन ओगिव कर्व, ये आपका मोर देन ओगिव कर्व, ठीक है। जैसे ये था लेस देन ओगिव कर, उसी तरह ये है मोर देन ओगिव कर। आप देखोगे ये अपर लिमिट वर्सेस एलसीएफ के पॉइंट में से निकलता हुआ कर्व 5 पॉइंट, उसी तरह आप ये देखोगे लोअर लिमिट वर्सेस एमसीएफ मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, सो लोअर लिमिट वर्सेस एमसीएफ से निकलता हुआ कर्व, ठीक है, ये हो गया मोर देन ओगिव कर। पहले हमने ये 5 पॉइंट प्लॉट किए उसमें से कर्व निकाला, फिर ये 5 पॉइंट उसमें से कर्व निकाला, फिनिश। कर्व का तरीका सेम, एक फ्री हैंड कर्व निकालो जो इन सारे पॉइंट में से पास हो जाए, बाकी वो कहां से स्टार्ट हो कहां एंड हो उसका कोई रूल नहीं है, सिर्फ इन पांचों पॉइंट में से पास हो जाए बस। ये था आपका लास्ट ग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, लास्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गिवन डेटा विद द हेल्प ऑफ ओगिव कर्व।
ये डेटा आपको दिया था, आपको अगर लेस देन ऑगिव कर्व से उसको डिफाइन करना है वो भी आपने देखा, अगर मोर देन से करना है वो भी देखा, अगर दोनों कर्व से एट अ टाइम करना है इन द सेम ग्राफ, दोनों कर्व से एट अ टाइम करना है इन द सेम ग्राफ, आपने वो भी देखा। ठीक है, लिख लो इतना जल्दी। फिर अब मैं इसी कर्व से मेडियन कैसे निकाला जाता है वो आपको बताऊंगा। फटाफट लिख लो, फिर इसी कर्व से मेडियन कैसे निकाला जाता है वो मैं आपको बताऊंगा। हर एक पॉइंट बराबर से प्लॉट करो, इसलिए पहले मैंने आपको लेस देन ओगिव कर्व पूरा ड्रॉ करने बोला है, और फिर मोर देन ओगिव कर्व यानी लोअर लिमिट वर्सेस एमसीएफ बॉटम टू टॉप अप्रोच ऑफ फ्रीक्वेंसी एडिशन, उनके पॉइंट्स हमने प्लॉट किए 0, 24, 10, 22, 20, 14, 30, 11 एंड 46। उन पांचों पॉइंट में से पास होता हुआ एक फ्री हैंड कर्व। ठीक है, तो देखो दोस्तों हिस्टोग्राम मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया था कि हिस्टोग्राम निकल गया, उसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यानी सबसे हाईएस्ट बार से प्रीवियस बार पे एक डायगोनल ड्रॉ करते हैं, फिर उसी हाईएस्ट बार टू नेक्स्ट बार दूसरा डायगोनल ड्रॉ करते हैं, दोनों डायगोनल जहां इंटरसेक्ट करेंगे वहां से स्ट्रेट लाइन हम नीचे एक्स एक्सिस पर लेते हैं, वो लाइन एक्स एक्सिस को जहां भी टच करे दैट पॉइंट इज कॉल्ड मोड। ये हमने देखा था फॉर मोड, ग्राफिकल मेथड से मोड निकालने का तरीका। अब ग्राफिकल मेथड से मेडियन अगर निकालना है तो उतनी चीजें भी करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आप इतनी मेहनत कर चुके हो, अब बस ग्राफिकल मेथड से अगर मोड निकालना है और आप मेडियन निकालना है, ठीक है, तो यूज होता है ओगिव कर्व, जैसे मैंने पहले ही आपसे कहा। तो मेडियन अगर निकालना है तो ये हुआ ओगिव कर्व। ठीक है, अब ओगिव कर्व में सर ओगिव कर्व तो निकाल लिए, एक ही ग्राफ में लेस देन भी निकाल लिया मोर देन भी निकाला, अब मेडियन कैसे निकालना है। मेडियन निकालने के लिए बस एक आखिरी लाइन आपको ड्रॉ करनी है, वो भी कहां से, ये दोनों कर्व जहां भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, मुझे बताओ ये रहा लेस देन ओगिव कर्व, ये रहा मोर देन ओगिव कर्व, ये दोनों कर्व आपने एक ही ग्राफ में निकाले हैं तो पक्का इन्होंने कहा तो भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है, ये रहा वो पॉइंट जहां उन्होंने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है। अब इस पॉइंट से जहां पर भी ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन निकालो एक्स एक्सिस पर, और वो एक्स एक्सिस को जहां भी टच कर जाए दैट पॉइंट इज कॉल्ड मीडियन। फिनिश। वहां तो भी दो डायगोनल निकाल के फिर इंटरसेक्शन से आपको नीचे लाइन लेनी थी, इस बार ऑलरेडी इंटरसेक्शन आ चुका है किसका, इन दोनों कर्व का, वहां ये दो लाइन निकालने का झंझट ही नहीं है, टेंशन ही नहीं है। यहां रूल क्या है कि अगर आप दोनों कर्व एक ही ग्राफ में निकाल रहे हो तो दोनों कर्व जहां भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, ये रहा पहला कर्व, ये रहा दूसरा कर्व, ये दोनों कर्व ने जहां भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है, कहां किया है, इस पॉइंट पर, क्लियरली आप देख सकते हो, तो वहां से एक स्ट्रेट लाइन बस नीचे निकाल लो, जहां पर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वहां से स्ट्रेट लाइन एक नीचे निकाल लो, स्ट्रेट लाइन, इस बार मैं स्ट्रेट लाइन वर्ड यूज कर रहा हूं, यानी स्केल से निकालो बाकायदा, तो स्केल से एक स्ट्रेट लाइन नीचे निकाल लो, जब तक वो एक्स एक्सिस को कहीं टच ना करे, वो एक्स एक्सिस को जहां भी टच कर जाए दैट पॉइंट इज कॉल्ड मेडियन। सो ये हुआ तरीका टू फाइंड मेडियन बाय ग्राफिकल मेथड। क्लियर, सो बस ये है वो रूल। चलो लिख लो मेडियन कैसे निकाला, एक लाइन निकाल लो। सो दोनों कर्व आपने निकाले हैं, अब दोनों कर्व जहां भी आपके नोटबुक में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते दिख रहे हैं बस उस पॉइंट को पकड़ लो। मेरे बोर्ड पर ये वाला पॉइंट दिख रहा है जहां दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अब उस पॉइंट से स्ट्रेट एक लाइन नीचे, ठीक है, स्ट्रेट एक लाइन आपने नीचे निकाल ली एक्स एक्सिस पर, उस इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू कर्व से स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस पर ड्रॉ की, एक्स एक्सिस को टच जहां करेगा दैट पॉइंट इज कॉल्ड मीडियन।
ठीक है. सो देखो, अब देखो दोस्तों, आपके दिमाग में एक और एक क्वेरी आ रही होगी कि सर मतलब हमें अगर मेडियन बाय ग्राफिकल मेथड निकालना है तो दोनों कर्व निकालना जरूरी है, दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट अगर करना चाहिए तो दोनों कर्व निकालना जरूरी है, बराबर? ये क्वेरी आती होंगी. तो नहीं, ये तो एक मेथड आपने देखी है ग्राफिकल मेथड की, लेकिन मेडियन निकालने का और एक तरीका है बाय ग्राफिकल मेथड, जहां आप सिंगल कर्व यूज कर सकते हो, बराबर? जैसे अभी यहां आपने मुझे दोनों कर्व एक्सप्लेन करना था, इसलिए मैंने एक ही ग्राफ में एक्सप्लेन कर दिया, सो दैट मैं आपको मेडियन भी बता पाऊं, बराबर? यहां पे मुझे लेस देन ओगिफ कर्व भी आपको बताना था कैसे निकलता है, अपर लिमिट वर्सेस एलसीएफ, मोर देन ओगिफ कर्व भी निकालना था, लोअर देन ओगिफ, मोर देन ओगिफ कर्व निकलता है लोअर लिमिट वर्सेस एमसीएफ. तो दोनों कर्व मुझे एज इट इज आपको बताने थे, मैंने दोनों कर्व को एक ही ग्राफ में ड्रॉ किया और वहां से मेडियन कैसे निकलता है, मतलब बाय यूजिंग बोथ कर्व्स, बाय यूजिंग दिस टू कर्व्स मेडियन कैसे निकलता है वो मैंने आपको बताया. लेकिन आपके दिमाग में अगर क्वेरी चल रही होगी कि सर मतलब मेडियन के लिए सिर्फ दोनों कर्व ही निकालना पड़ेगा, सिंगल कर्व से निकल नहीं सकता, बेशक निकल सकता है. मेडियन जिस तरह ये दोनों कर्व से निकला है, मेडियन सिंगल कर्व से भी निकल सकता है, कैसे मैं आपको बताता हूं. इतना लिख लिया सबने? चलो इसी क्वेश्चन में फिर से मैं देख लो, इसी क्वेश्चन में फिर से मैं कोई तो एक कर्व और ड्रॉ कर लेता हूं फिर से, ठीक है. सपोज ये पॉइंट तो हमेशा जीरो है, ये हुआ 10, ये हुआ 20, ये हुआ 30, ये हुआ 40 और ये हुआ 50. 24 की स्केल मुझे लेनी थी, मतलब ये हुआ 2, 4, 6, 8, 10. देखो मैं फिर से एक चीज कर रहा हूं, 22 एंड 24, ठीक है. अब मैं इस बार जैसे आपको मैंने मेडियन निकालने का, हिस्टोग्राम निकालने का तो वही एक मेथड है, और कोई 10 मेथड नहीं है, कोई और 2 मेथड नहीं है. हिस्टोग्राम के लिए आपको मोड अगर निकालना है तो पूरा हिस्टोग्राम निकालना ही पड़ेगा, 2 डायगोनल ड्रॉ करने पड़ेंगे, उससे नीचे एक लाइन लेनी पड़ेगी. तो मोड निकालने की वो इकलौती मेथड थी जो हमने लास्ट सेशन में देखा, उसकी कोई और 2 मेथड नहीं है. लेकिन मेडियन ग्राफिकल मेथड से ही 2 तरीके से निकलता है. मेडियन ग्राफिकल मेथड से, कैलकुलेशन को साइड में रखो, कैलकुलेशन से तो निकलता ही है, लेकिन ग्राफिकल मेथड से भी 2 तरीका है. एक तो दोनों कर्व को एट अ टाइम हमने ड्रॉ करके निकाला, जो मैंने अभी आपको दिखाया. पहला तरीका कौन सा था? दोनों कर्व को, अगर बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन दोनों कर्व निकालने बोल ही रहा है, दोनों कर्व निकालने बोल ही रहा है क्वेश्चन, तो फिर दोनों कर्व को अलग अलग ना निकालते हुए एक ही ग्राफ में निकालो, और वो दोनों कर्व जहां भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वहां से स्ट्रेट लाइन नीचे ले लो, वो मिल गया आपको मेडियन, जो चीज अभी थोड़ी देर पहले हमने देखी, ठीक है. वैसे ही किया था हमने, दोनों कर्व एक ही ग्राफ में, इंटरसेक्शन से लाइन नीचे, मेडियन हमें मिल गया था. लेकिन एक दूसरा तरीका और है मेडियन निकालने का बाय ग्राफिकल मेथड, और वो है सिंगल कर्व. आप सिर्फ लेस देन ओगिफ कर्व निकाल के भी मेडियन निकाल सकते हो, आप सिर्फ मोर देन ओगिफ कर्व ड्रॉ करके भी मेडियन निकाल सकते हो. कोई एक सिंगल कर्व, सर सिंगल कर्व आप बोल रहे हो, लेकिन कौन सा ले, उसमें लेस देन ही लेना पड़ेगा तो ही निकलेगा, वो भी कोई रूल नहीं है, वो भी कोई कंपल्शन नहीं है. आप सिर्फ लेस देन ओगिफ कर्व ड्रॉ करो फिर भी मेडियन मिल जाएगा, आप सिर्फ मोर देन ओगिफ कर्व ड्रॉ करो फिर भी मेडियन मिल जाएगा, वो भी सेम पॉइंट. ऐसा नहीं कि सर दोनों ग्राफ से निकाला तो अलग मेडियन मिल रहा है, लेस देन से निकाला तो अलग मिल रहा है, मोर देन से निकाला तो अलग मिल रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा. जैसे हमने लास्ट मेथड में देखा, दोनों कर्व से निकालो, चाहे सिर्फ लेस देन से निकालो चाहे सिर्फ मोर देन से निकालो, आपको तीनों पॉइंट एग्जैक्ट सेम आएंगे, तो मर्जी आपकी. ये तो सिर्फ मैं इसलिए बोल रहा हूं कि क्वेश्चन बाय डिफॉल्ट दोनों कर्व अगर निकालने बोल रहा है तो उस तरीके से निकालो जो हमने इसके पहले देखा, अगर क्वेश्चन बाय डिफॉल्ट बोल रहा है तो. लेकिन क्वेश्चन अगर कोई एक ही कर्व निकालने बोल रहा है और फिर मेडियन फाइंड करने बोल रहा है तो जबरदस्ती अब दो कर्व निकालने की जरूरत नहीं है. एक ही कोई तो कर्व ड्रॉ करने क्वेश्चन ने बोला है और फिर मेडियन निकालने बोला है तो जबरदस्ती अब दो कर्व निकालने की जरूरत नहीं है. उतना टाइम वेस्ट मत करो क्योंकि सिंगल कर्व से भी मेडियन निकलता है. फिर क्वेश्चन ने चाहे तो लेस देन ओगिफ कर्व बोलो या चाहे तो मोर देन ओगिफ कर्व बोलो, सिंगल पॉइंट से भी, सिंगल कर्व से भी मेडियन निकलता है. चलो देखते हैं कौन सा निकाल लूं, लेस देन निकाल लूं. चलो मैं लेस देन ओगिफ कर्व निकालता हूं. जो ग्राफ क्या है आपको पता है ऑलरेडी, फटाफट हम देख लेंगे. अपर लिमिट वर्सेस एलसीएफ, अपर लिमिट वर्सेस एलसीएफ, इसी क्वेश्चन में हमने अभी ग्राफ ड्रॉ किया था, मैं आपके लिए फिर से कर रहा हूं, ठीक है. तो मैं नई चीज कुछ नहीं कर रहा हूं, ये रहा एलसीएफ और ये रहा अपर लिमिट,
अपर लिमिट हमने प्लॉट किया एक्स एक्सिस पर, एलसीएफ है वाई एक्सिस पर, दोनों के रिस्पेक्टिव पॉइंट को हम प्लॉट करते जाएंगे, पांच पॉइंट हमें मिलेंगे, 10 2 ये रहा 2, ये रहा 10, देन 20 10, कोई भी नई चीज मैं कर नहीं रहा हूं इसलिए फटाफट कर रहा हूं, ये रहा सेकंड पॉइंट, देन 30 13, 13 आएगा बिल्कुल 12 और 14 के बीचों बीच मिडल पॉइंट, एंड 30, देन 40 18, 18 वाई एक्सिस से, 14 एक्स एक्सिस से, एंड लास्ट 50 24, 24 एलसीएफ है इसलिए वाई एक्सिस से, 50 अपर लिमिट है इसलिए एक्स एक्सिस से, फिनिश। और क्या किया था, इन सारे पॉइंट में से पास होता हुआ एक फ्री हैंड कर्व हमने निकाल लिया था, जिसको मैंने कहा था लेस देन ओगिव कर्व, बराबर यहां तक हमने निकाल लिया था। अब उसके बाद हमने मोर देन ओगिव कर्व निकाल के मेडियन निकाला था, अब मोर देन ओगिव कर्व मैं नहीं निकाल रहा हूं। अब इसी सिंगल कर्व को यूज करते हुए देखो मेडियन कैसे निकालते हैं। आपको अगर थोड़ा भी घर पे रिवाइज किया होगा तो कैलकुलेशन से मेडियन निकालने के लिए, अगर बाय यूजिंग कैलकुलेशन मेथड हमें मेडियन निकालना है और क्लासेस का क्वेश्चन दिया है, तो सबसे पहले चीज हम क्या करते थे, एलसीएफ निकाल लेते थे, निकाल दी एलसीएफ निकाल लेते थे, जो कि निकाल ली। उसके बाद हम क्या करते थे, हम एक फैक्टर फाइंड करते थे फॉर मेडियन, फॉर मेडियन एक फैक्टर हम फाइंड करते थे, क्या था वो फैक्टर, एन बाय टू। मेडियन से, फॉर मेडियन मतलब मेडियन के लिए अगर आपको सबसे पहले क्लासेस के क्वेश्चन में एलसीएफ निकालने के बाद क्या निकालना पड़ता था, एक फैक्टर, फैक्टर कैसे निकालते थे आप, एन बाय टू। और ये चीज मैं स्टैटिस्टिक्स के फर्स्ट सेशन से बोल रहा हूं कि एन मतलब क्या होता है इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एन मतलब होता है समेशन ऑफ एफ, इस पूरे फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है एन, तो इस पूरे फ्रीक्वेंसी का टोटल क्या है, 24, बराबर। ये चीज तो मैं पहले सेशन से बोल रहा हूं कि इंडिविजुअल सीरीज है तो एन बस आप काउंट कर लो इन इंडिविजुअल सीरीज, बट फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन अगर है तो एन मतलब हमेशा क्या होगा, टोटल फ्रीक्वेंसी यानी समेशन एफ। तो इस बार समेशन एफ है 24 अपॉन 2 12। तो देखो दोस्तों, अगर थोड़ा भी रिवाइज नहीं किया होगा तो आप घर पे करना, तो आपको दिखेगा कि कैलकुलेशन मेथड में हमने सबसे पहले क्या निकाला था, एलसीएफ, जो कि यहां पर भी निकाला है, कैलकुलेशन की बात मैं कर रहा हूं, और उसके बाद निकाला था फैक्टर एन बाय टू, जो कि हमें यहां भी निकालना है। अगर आप दोनों कर्व से जाते हो एट अ टाइम, जो हमने लास्ट मेथड देखी, तो उसमें कोई एन बाय टू की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन की रत्ती भर भी जरूरत नहीं है। अगर आप दोनों कर्व से जाते हो तो सीधा उनका इंटरसेक्शन पॉइंट ही आपको क्या दे देता है, आंसर, दोनों कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट आपको आंसर दे देता है। लेकिन जब जब आप सिंगल कर्व से जाओगे, फिर वो लेस देन ओगिव कर्व हो या मोर देन ओगिव कर्व हो, ठीक है, जब जब आप सिंगल कर्व से जाओगे, लेस देन हो या मोर देन हो, तब आपको डेफिनेटली ये एन बाय टू फैक्टर निकालना पड़ेगा, ठीक है, कोई भी हो। मैं फिर से बोल रहा हूं, लेस देन भी रहा तो भी एन बाय टू निकालना है, मोर देन रहा तो भी एन बाय टू निकालना है। सो एन बाय टू यानी समेशन एफ होता है एन, 24 अपॉन 2 12, बस। अब ये n by 2 मतलब क्या है, n by 2 को बाद में हम क्या करते थे कैलकुलेशन मेथड में, LCF से कंपेयर करते थे। याद करो जो भी n by 2 हमारा आता था उसको हम LCF कॉलम से कंपेयर करते थे, इक्वल टू 12 और जस्ट ग्रेटर देन 12 देखते थे। इक्वल टू 12 है क्या भाई, नहीं है कहीं, उससे जस्ट बड़ा है क्या, यस yes. उसको हम पकड़ लेते थे और उसके क्लास को बोलते थे मेडियन क्लास, और मेडियन क्लास से हमने एक फॉर्मूला देखा था मोड मेडियन का, L प्लस एच बाय एफ इन ब्रैकेट एन बाय टू माइनस सी ब्रैकेट कंप्लीट, उस फॉर्मूला से मेडियन निकल जाता था। तो यहां पर भी वही, इतना नहीं करना है, बट यहां पर भी एन बाय टू तो निकालना ही है। अब एन बाय टू को एलसीएफ के कॉलम से कंपेयर ना करते हुए, यहां पे हमारे पास एलसीएफ की क्या है, एक्सिस है। अगर आपको याद होगा तो मैंने कहा एक्स एक्सिस पे क्या लेना है, सारे अपर लिमिट, और वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया है, एलसीएफ। यहाँ पे हमने लिया है इस कर्व के लिए अपर लिमिट, ये हमने क्या निकाला है, लेस देन ओगिव कर्व। लेस देन ओगिव कर्व इज अ ग्राफ ऑफ अपर लिमिट, जो कि हमने एक्स एक्सिस पे लिया है, वर्सेस एलसीएफ, जो कि हमने वाई एक्सिस पे लिया है। तो कैलकुलेशन मेथड में हम एन बाय टू को कंपेयर करते थे एलसीएफ कॉलम से,
इन कैलकुलेशन मेथड, बट इन ग्राफिकल मेथड इस n बाय 2 को प्लॉट करो LCF एक्सिस पर। इस बार हमारे पास ये LCF की एक्सिस है, y एक्सिस मतलब ही क्या है, LCF की एक्सिस, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की एक्सिस। तो ये 12 का दिख रहा है आपको यहाँ पे, बस ये पॉइंट को प्लॉट करो n बाय 2, ये पॉइंट क्या हो गया n बाय 2, क्योंकि n बाय 2 का हमारा आंसर आया है 12। अब 12 को कैलकुलेशन के हिसाब से हम जाते थे LCF के कॉलम से कंपेयर कर रहे हैं, यहां कॉलम से ना करते हुए, क्योंकि ये कोई कैलकुलेशन मेथड नहीं है, तो इसलिए यहां कॉलम से कंपेयर ना करते हुए यहां LCF की एक्सिस है, ये ग्राफिकल मेथड है, तो यहां LCF की एक्सिस है, ये वर्टिकल वाई एक्सिस जहां पर हमने LCF प्लॉट किया है, तो इस LCF के एक्सिस पर ये n बाय 2 का पॉइंट प्लॉट करो। n बाय 2 हमारा आया है 12, तो 12 आपको कहां दिख रहा है, बिल्कुल ये वाला पॉइंट, तो ये पॉइंट को मैं बोलूंगा n बाय 2 अनफिनिश। अब इस पॉइंट से पास होता हुआ एक स्ट्रेट लाइन, देखो स्ट्रेट लाइन यानी स्केल, जब जब मैं स्ट्रेट लाइन बोलूंगा स्केल यूज करो। अब इस n बाय 2 पॉइंट से पास होती हुई एक स्ट्रेट लाइन निकालो, तब तक निकालते रहो जब तक वो कर्व को कहीं टच ना करे, वो कर्व को जहां भी टच कर जाए वहां से स्ट्रेट लाइन नीचे एक्स एक्सिस पर, एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड मेडियन। इस बार थोड़ा सा काम क्या बढ़ गया, इस बार दो कर्व की मेहनत नहीं लेनी पड़ी, बट ये मेहनत थोड़ी सी बढ़ गई। दो कर्व के केस में हमने क्या देखा था, दोनों कर्व जहां भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं स्ट्रेट लाइन नीचे मेडियन मिल गया, लेकिन यहां पे हमें तो वो इंटरसेक्शन पॉइंट कोई दिख ही नहीं रहा है जहां से स्ट्रेट लाइन नीचे लेना है, तो यहां से स्ट्रेट लाइन नीचे लेने के लिए क्या करना पड़ा, सबसे पहले तो मेडियन निकालना, फॉर मेडियन जो फैक्टर हम निकालते हैं n बाय 2 ये निकालना पड़ा, जो कि आया 12। ये जो भी आएगा वो कहां पे प्लॉट करो, सबसे पहले y एक्सिस पर, बराबर, क्योंकि कैलकुलेशन में हम उसको कंपेयर करते हैं LCF कॉलम से, ग्राफिकल मेथड में यहां LCF की एक्सिस है, y एक्सिस मतलब LCF होता है, सब यहां पे सब हमने LCF लिखे है, तो इसलिए उसको प्लॉट करो y एक्सिस यानी LCF के एक्सिस पे, और बस वहां से फिर क्या करना है, वहां से बस दो लाइन का खेल। सबसे पहले उस n बाय 2 जो पॉइंट आपने लिखा है प्लॉट किया है y एक्सिस पर, वहां से स्ट्रेट एक लाइन निकालो, स्ट्रेट लाइन बाय यूजिंग स्केल, तब तक निकालो जब तक वो कर्व को कहीं टच ना करे, तो स्ट्रेट लाइन निकाला, वो कर्व को जहां भी टच करेगी दिस पॉइंट इज कॉल्ड, वो कर्व को जहां भी टच करेगी वहां से स्ट्रेट लाइन नीचे ले लो एक्स एक्सिस पर, और वो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को जहां टच करेंगी दिस पॉइंट इज कॉल्ड मीडियन, फिनिश। और यही प्रोसेस आप करोगे अगर यही सब चीजें आपको लेस देन ओगिव कर्व से ना करते हुए मोर देन ओगिव कर्व से करना है। मोर देन ओगिव कर्व से निकालना है तो आप क्या करोगे, लोअर लिमिट वर्सेस एमसीएफ, फिर से कर्व ड्रॉ कर लोगे, फिर से वही एन बाय 2 फाइंड करोगे, एन बाय 2 इस बार आप लिखोगे फिर से एमसीएफ एक्सिस यानी वर्टिकल एक्सिस पे, एलसीएफ हो या एमसीएफ हो आपको एन बाय 2 उसी यानी वर्टिकल एक्सिस पे ही प्लॉट करना है, बस फिर वहां से स्ट्रेट लाइन एक, तब तक स्ट्रेट लाइन जब तक वो कर्व को कहीं टच ना करे, कर्व को जहां भी टच करेगी वहां से स्ट्रेट लाइन नीचे एक्स एक्सिस पर, फिनिश। एक्स एक्सिस पे जहां वो टच कर गया आपको मिलेगा मीडियन। और बेट है दोस्तों आपको अगर उस मेथड से भी जाओ तो सेम यही पॉइंट मिलेगा, इस मेथड से भी यही पॉइंट मिला, और अगर आप दोनों कर्व से जाओ जो इसके पहले हमने देखा तो भी आपको यही पॉइंट मिलेगा, डिक्टो यही, अगर आप प्रॉपर मेजरमेंट से निकाल रहे हो तो, ठीक है। तो ये है मेथड ऑफ फाइंडिंग मेडियन बाय यूजिंग टू कर्व जो इसके पहले हमने देखा, एंड सेकंड बाय यूजिंग सिंगल कर्व जो हमने ये देखा, फिर वो सिंगल कर्व लेस देन ओगिव कर्व हो तो भी चलेगा जिसका रूल है अपर लिमिट वर्सेस एलसीएफ, या फिर वो सिंगल कर्व मोर देन ओगिव कर्व हो तो भी चलेगा जिसका प्लॉट करने का रूल है लोअर लिमिट वर्सेस एमसीएफ, डिक्टो सेम। तो सिंगल कर्व में, डबल कर्व में तो इंटरसेक्शन से स्ट्रेट लाइन ले लो मेडियन मिल गया, लेकिन सिंगल कर्व में क्या थोड़ा सा काम बढ़ गया, सिंगल कर्व निकालो फिर n बाय 2 निकालो, n बाय 2 को y एक्सिस पर, अब मैं ना ही LCF बोल रहा हूँ ना ही MCF, क्योंकि कोई भी हो होता तो हमेशा y ही है, लेस देन ओगिव कर्व के लिए y एक्सिस हो जाता है LCF, मोर देन ओगिव कर्व के लिए y एक्सिस हो जाता है MCF, ठीक है। तो LCF हो चाहे MCF हो हम अल्टीमेटली n बाय 2 को प्लॉट कहां करना चाहते हैं, y एक्सिस पर। तो सिंगल कर्व के लिए सबसे पहले n बाय 2 निकालो, उसको y एक्सिस पे प्लॉट करो और बस वहां से दो लाइन का खेल। उस y एक्सिस पर जहां आपने n बाय 2 को प्लॉट किया है वहां से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो जब तक कर्व को टच ना करे, और कर्व को जहां भी टच करे वहां से फिर से स्ट्रेट लाइन वर्टिकल जब तक x एक्सिस को टच ना करे, x एक्सिस को जहां भी टच कर गई आपको मिल गया मीडियन, फिनिश।
n by 2 plot line line finish. ठीक है, लिख लो. तो अब मोर देन ओग्यूव कर्व का आपको अलग से बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि डिक्टो सेम प्रोसेस आएगी. मोर देन ओग्यूव कर्व कैसे निकालना है आपको पता है, लास्ट टाइम आपने देखा. तो चाहे तो खुद ही कर लो, मोर देन ओग्यूव कर्व निकालो. सिर्फ अब सिंगल कर्व निकालो, वो भी मोर देन ओग्यूव कर्व. घर पे करना है चीज. और उस सिंगल ओग्यूव कर्व मोर देन ओग्यूव कर्व पे एन बाय टू फैक्टर फाइंड करो, वो वाई एक्सिस पे प्लॉट करो, वहां से स्ट्रेट लाइन कर्व पे, कर्व से स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस पे, मेडियन मिल गया. तो ये चीज आप इसी क्वेश्चन के लिए घर पे ट्राई करना. कुछ क्वेश्चंस आगे हम देखेंगे उसमें ये चीज बाय डिफॉल्ट आपकी कवर होगी, तो इसलिए अभी करने की जरूरत नहीं क्योंकि डिक्टो सेम प्रोसेस है. तो मोड आप निकालते हो सिर्फ एक मेथड से जो कि है हिस्टोग्राम, और उसमें भी सिर्फ एक ही तरीका. लेकिन मेडियन आप निकालते हो सिर्फ एक ही टाइप से, वो है ओग्यूव कर्व, एक ही ग्राफ से, वो है ओग्यूव कर्व. लेकिन ओग्यूव कर्व में भी दो तरीके हैं मेडियन निकालने के. एक बाय यूजिंग बोथ द कर्व्स जो हमने इसके पहले देखा, और सेकेंड बाय यूजिंग सिंगल कर्व, फिर वो लेस देन हो या मोर देन हो. ठीक है, तो बेसिकली दोस्तों मोड यानी हिस्टोग्राम ग्राफिकल मेथड का एक थोड़ा सा समराइज दे देता हूं. पाई चार्ट हमने देखा जो कि एक अलग टाइप का क्वेश्चन था. मोड यानी हिस्टोग्राम जिसमें एक ही तरीका हमने देखा, और मेडियन यानी ओग्यूव कर्व जिसमें दो तरीके हमने देखे, दोनों कर्व से और सिंगल कर्व से. इनफैक्ट सिंगल कर्व में भी, और आप लेस देन ओग्यूव कर्व से भी जा सकते हो, मोर देन ओग्यूव कर्व से भी जा सकते हो. ठीक है, तो देखने गए तो वैसे बेसिक तीन तरीके मेडियन निकालने के बाय ग्राफिकल मेथड. बोथ कर्व, सिर्फ लेस देन, सिर्फ मोर देन. हिस्टोग्राम में एक ही तरीका है, दो लाइन नीचे एक्सिस पे स्ट्रेट लाइन. ठीक है, और इसी तरह मीन मेडियन मोड की पूरी दुनिया हम देख चुके हैं. मीन के भी सारे टाइप्स हमने देख लिए, कंबाइन मीन भी देख लिया, मेडियन भी बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड एंड बाय कैलकुलेशन हमने देखा, और मोड भी बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड और कैलकुलेशन हमने देखा. ठीक है, और कैलकुलेशन भी हमने हर चीज का देखा है, इंडिविजुअल सीरीज में कैसे करना है, अनग्रुप में कैसे करना है, ग्रुप में कैसे करना है, सारी चीजें हमने देखी है. तो दोस्तों ये है ओवरऑल दुनिया ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. ठीक है, तो बेसिकली अब इसमें थोड़ी सी एक वैरायटी मुझे आपको बताना है, टेलीमार्क. ये टेलीमार्क होता क्या है बेसिकली एक बार मैं आपको बता देता हूं. ठीक है, उसके बाद हम शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चंस या फिर मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन. इसमें और एक नया वैरायटी, मुझे उसका भी आपको पूरा इंट्रोडक्शन देना है. ठीक है, तो चलो देखते हैं टेलीमार्क. अबे टेलीमार्क कंसेप्ट होता क्या है, बाय यूजिंग टेलीमार्क कंसेप्ट आप इंडिविजुअल सीरीज से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हो. टेलीमार्क कंसेप्ट क्या है कि इंडिविजुअल सीरीज से आपको डेटा दिया है इंडिविजुअल सीरीज के फॉर्म में, और आपको बोला है कि उससे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करो. इंडिविजुअल सीरीज दिया है और उससे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको बनाना है. ठीक है, आपने दो टाइप के डेटा देखे हैं, एक इंडिविजुअल सीरीज टेबुलर फॉर्म. याद करो हर चीजें मैं अब वही बताऊंगा जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं. टाइप ऑफ डेटा आपने दो देखे थे, एक टेबुलर फॉर्म, एक ग्राफिकल फॉर्म. ग्राफिकल फॉर्म की पूरी दुनिया आप साइड में रखो, वो हम पूरी देख चुके हैं. ग्राफिकल फॉर्म में हमने पाई चार्ट भी देखा, ग्राफिकल फॉर्म में हिस्टोग्राम भी देखा, ग्राफिकल फॉर्म में ओग्यूव कर्व और उसके वो दोनों टाइप लेस देन मोर देन दोनों देखे. तो ग्राफिकल हो गया. अब टेबुलर फॉर्म में भी हमने दो डिस्ट्रीब्यूशन मेन देखे थे, एक इंडिविजुअल सीरीज और एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में और दो सब टाइप थे, अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. तो अब टेलीमार्क के कंसेप्ट बेसिकली यूज क्या होता है कि आपको डेटा दिया होता है इंडिविजुअल सीरीज के फॉर्म में, इंडिविजुअल सीरीज के फॉर्म में पूरा डेटा दिया होता है, और आपको बोला होता है कि इस इंडिविजुअल सीरीज डेटा का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करो. टाइप ऑफ डेटा टेबुलर फॉर्म में दो ही है, एक मेन टाइप तो दो ही है, एक इंडिविजुअल और एक
फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी में और दो सब टाइप आते हैं, वो अनग्रुप और ग्रुप, दैट इज डिफरेंट. लेकिन मेन टाइप तो दो ही है, इंडिविजुअल यानी कॉमा कॉमा के फॉर्म में दिया होता है जिसमें फ्रीक्वेंसी का नामो निशान भी नहीं होता है, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जहां पे फ्रीक्वेंसी क्लियरली मेंशन होती है, फ्रीक्वेंसी यानी नंबर ऑफ रिपीटेशन. तो ये टेलीमार्क कंसेप्ट यूज होता है कोई भी इंडिविजुअल डेटा को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करने के लिए, कोई भी इंडिविजुअल सीरीज को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करने के लिए. कैसे? तो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूं. सपोज ये आपको क्वेश्चन दे दिया है कि एक क्लास है, उस क्लास में आपका टोटल अराउंड 20-30 स्टूडेंट है, चलो देखते हैं कितने स्टूडेंट हैं. तो उनकी एक टेस्ट ली गई, उन सारे स्टूडेंट की एक टेस्ट ली गई, और उन सारे स्टूडेंट को किस तरह से मार्क मिले हैं रोल नंबर वाइज, वो हमने कॉमा कॉमा के फॉर्म में लिखा है. रोल नंबर वन को इतने कॉमा, रोल नंबर टू को इतने कॉमा, रोल नंबर थ्री को इतने. मतलब डेटा देते समय आपको किस फॉर्म में दिया है? इंडिविजुअल सीरीज, कॉमा कॉमा के फॉर्म में, यानी इंडिविजुअल सीरीज. तो रोल नंबर वाइज उन सारे स्टूडेंट को कितने कितने मार्क मिले हैं आउट ऑफ 50, ये आपको दिया गया है. ठीक है, सो चलो रोल नंबर वन को मिले 7 मार्क, देन 2 मार्क, 11, 32 आउट ऑफ 50. ठीक है, तो इस तरह से सारे स्टूडेंट को किस तरह से मार्क मिले हैं ये आपको दिया गया है. ठीक है, सो टोटल 40 स्टूडेंट थे उस क्लास में, 40 स्टूडेंट, और उन 40 स्टूडेंट को किस तरह से मार्क मिले वो आपको दिया गया है. सो फर्स्ट 10 रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, ऐसे करते करते रोल नंबर 10, 20, 30 और 40. तो 40 स्टूडेंट थे, 40 के 40 स्टूडेंट प्रेजेंट थे और उनको इस तरह से मार्क मिले गए. ये है मार्क उन स्टूडेंट को मिले हुए. अब क्वेश्चन ने आपको डेटा दिया है इंडिविजुअल सीरीज के फॉर्म में, और आपको बोला है कि इस डेटा को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में अगर कन्वर्ट करना है, इस डेटा को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में अगर कन्वर्ट करना है तो करके दिखाओ बाय यूजिंग द क्लासेस 0 टू 10, 10 टू 20, 20 टू 30, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है, आपको इस पूरे इंडिविजुअल सीरीज डेटा को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना है बाय टेकिंग द क्लासेस 0 टू 10, 10 टू 20, 20 टू 30, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. क्लियर? कोई डाउट? ठीक है, तो अब ये क्लास आपको उसने दे दिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब क्या, जहां तक आपको लेना है तब तक लो, ये सारी वैल्यूज जब तक कवर नहीं होती लो. तो देख लो क्लासेस, सबसे पहले उसने हमें हिंट दे दिया हर क्लास में कितना गैप होना चाहिए, 10 10 10 10 का. तो हर क्लास में 10 10 का गैप होना चाहिए, उससे उस तरह से 0 टू 10, 10 टू 20, 20 टू 30. अब वहां तक लो जब तक इस क्लास की सबसे मैक्सिमम वाली वैल्यू कवर ना हो जाए. इस क्लास में सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, इस पूरे इसमें सबसे मैक्सिमम मार्क्स मिलने वाला स्टूडेंट कितना है? 48. बराबर, इस पूरे क्लास में सबसे मैक्सिमम मार्क लेने वाला स्टूडेंट है 48, यानी पूरे 50 तक आपको कवर करने होंगे, 10-10 का डिफरेंस अगर मेंटेन करना है. तो क्वेश्चन ने आपको बोल दिया है कि कन्वर्ट दिस इंडिविजुअल सीरीज इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी टेबल, कन्वर्ट दिस डेटा विद द हेल्प ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय टेकिंग द क्लासेस 0 टू 10, 10 टू 20, 20 टू 30, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. मतलब क्वेश्चन ने आपको एक हिंट क्लियर दे दिए कि हर क्लास के बीच में कितने कितने का गैप चाहिए, 10, 10, 10. हर क्लास लिमिट में 10-10 का गैप चाहिए, ये क्वेश्चन ने आपको डायरेक्ट हिंट दे दिए. ठीक है, सो 10-10 का गैप चाहिए, और कहां तक आपको क्लासेस कंटिन्यू करना है, क्लासेस आपको कंटिन्यू करना है टिल वो वैल्यू, जब तक मैक्सिमम वैल्यू, वो मैक्सिमम वैल्यू जो कवर ना हो जाए.
तो इस पूरे डेटा में सबसे मैक्सिमम वैल्यू आपने ढूंढ कर ले ली 48, तो 48 कवर करने के लिए मुझे कहां तक लेना होगा, उसने तो सिर्फ 30 तक कहा है और बाद में एक्सेट्रा एक्सेट्रा बोल दिया, मतलब बात का आप पर और मुझ पर छोड़ दिया कि वहां तक लो जब तक मैक्सिमम वैल्यू कवर ना हो जाए। तो मैक्सिमम वैल्यू हमेशा क्या करना होता है ऐसी केस में, मैक्सिमम वैल्यू देखो, मैक्सिमम वैल्यू दिखा 48, तो 48 कवर होना चाहिए, 48 कवर होना चाहिए, इसलिए हमने कहां तक लिमिट लेना है, 30 टू 40 भी हमने ले ली और 40 टू 50 भी ले ली, क्योंकि ये एच जो है हाइट ये आपको यूनिफॉर्म रखना है 10 10 10 10। अब देखो टैलीमार्क, टैलीमार्क बेसिकली आपको क्या बोलता है, पांच पांच लाइन का ग्रुप, पांच पांच लाइन भी कैसी, 1 2 3 4, चार वर्टिकल लाइन फिफ्थ डायगोनल, अगेन अगला ग्रुप बन रहा है तो 1 2 3 4, चार वर्टिकल फिफ्थ डायगोनल, इस तरह पांच पांच लाइन का ग्रुप लेना है। कैसे लेना है चलो देखते हैं। 0 7, पहला मार्क कितना है 7, 7 कौन सी, अब जो मार्क जिस लिमिट में आता है उस लिमिट में एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, जो मार्क जिस लिमिट में आता है उस लिमिट में फिर से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो। जैसे ही चार लाइन का ग्रुप हो गया फिफ्थ लाइन डायगोनल निकाल लो, चार लाइन का ग्रुप हो गया फिफ्थ वाली लाइन डायगोनल निकाल लो और अगला ग्रुप बनाना शुरू करो, ठीक है। तो पांच पांच लाइन का ग्रुप आपको करना है, पांच लाइन पांच लाइन पांच लाइन पांच लाइन, उससे आपका काउंटिंग भी इजी हो जाएगा और पांच पांच लाइन करने से काउंटिंग तो इजी हो ही जाएगा। और पांच लाइन का तरीका क्या है, चार लाइन वर्टिकल एक डायगोनल, देखते हैं। फर्स्ट 7 7 का आता है 0 to 10, देन 2 2 भी अगेन 0 to 10, 11 10 to 20, 32 30 to 40, 48 40 to 50 16 10 to 20 27 18 29 29 का आएगा फिर से 20 to 30 and 31 31 30 to 40, देन 32 अगेन तीसरी लाइन, 36 चौथी लाइन, 18 18 आएगा यहां, 19। देखो दोस्तों अब यहां पे चार लाइन हो गई है और अगला नंबर आया 19 का, 18 तक मतलब 7 से लेकर 18 तक चार वैल्यूज ऐसी थी जो 10 टू 20 में आए। बेसिकली कौन सी वैल्यू किस रेंज में उसके लिए आपको वर्टिकल लाइन लेना है, कौन सी वैल्यू किस रेंज में उसके लिए वर्टिकल लाइन लेते जाना है। अब 7 से 18 तक अगर आप देखो तो ऐसी चार वैल्यू थी जो 10 टू 20 के बीच में, इसलिए 1 2 3 4, लेकिन अगली फिर से अगर मैं वैल्यू पढ़ू 19, अगली नंबर अगर मैं फिर से पढ़ू 19, तो 19 क्या है अगेन इसी रेंज में, लेकिन मैंने आपसे कहा 19 उसी रेंज में है लेकिन चार लाइन हो गई है, तो मैंने तरीका क्या कहा है, फिफ्थ लाइन निकालो डायगोनल, ठीक है। तो फिफ्थ लाइन निकालो डायगोनल, ये हो गई डायगोनल, सो 19 कवर हो गया इस फिफ्थ लाइन से, बट वो फिफ्थ लाइन आपने निकाल ली डायगोनल, मतलब ये क्या बोल रहा है, ये पांच लाइन का ग्रुप क्लोज, अब अगला जो भी बनेगा अगला ग्रुप, मतलब पांच पांच लाइन के ग्रुप से आपका काउंटिंग इजी हो जाएगा। ये पांच लाइन आप डायगोनल निकाल लेते हो मतलब आपने पांच लाइन का ग्रुप क्लोज कर दिया, अगला जो भी वैल्यू अगर इसी रेंज में मिला 10 टू 20 में ही कोई अगली वैल्यू आपको मिली तो उसके लिए फिर से नया ग्रुप निकालना शुरू करो, ठीक है। सो 20, हाँ अब आपके लिए बड़ा चैलेंज 20, 20 कहाँ आएगा 20, अब आप सोचोगे सर 20 तो यहां पर भी है, अब तक 18 था 2 था 11 था कोई दिक्कत नहीं गई, हम आराम से उसकी रेंज निकालते गए कि भाई 2 इसी रेंज में आएगा, 18 इसी रेंज में आएगा, 32 इसी रेंज में आएगा, लेकिन सर 20 तो यहां पर भी और यहां पर भी है, तो कौन सा 20 ले। तो देखो दोस्तों आपको याद होगा मैंने सबसे फर्स्ट सेशन में आपसे दो टाइप के क्लास मेंशन किए थे, एक एक्सक्लूसिव टाइप ऑफ क्लास, एक इंक्लूसिव टाइप ऑफ क्लास, उसी को हम बोलते हैं कंटिन्यूअस क्लास। एक्सक्लूसिव को कहा जाता है कंटिन्यूअस क्लास जो पूरे स्टैटिस्टिक्स में हमको चाहिए, स्टैटिस्टिक्स के पूरे फॉर्मूला बने हैं कंटिन्यूअस क्लास को ध्यान में रखते हुए। सो कंटिन्यूअस क्लास यानी एक्सक्लूसिव क्लास ये हमने देखा था फर्स्ट सेशन में, और उसका अपोजिट था डिसकंटिन्यूअस क्लास यानी इंक्लूसिव क्लास। और क्या कहा था मैंने, ये जो कंटिन्यूअस क्लास है 0 to 10 10 to 20 20 to 30, यहाँ पे कंटिन्यूटी बरकरार है, कंटिन्यूटी ब्रेक हो रही है यहाँ पे बिल्कुल नहीं, तो इसको कहा जाता है कंटिन्यूअस क्लासेस, और कंटिन्यूअस क्लासेस को ही कहा जाता है एक्सक्लूसिव टाइप ऑफ क्लास। क्यों एक्सक्लूसिव कहा जाता है ये भी मैंने एक्सप्लेन किया था फर्स्ट सेशन में, लेकिन डेफिनेटली आप भूल गए होंगे, आपके बिजी शेड्यूल में रिवाइज किया नहीं होगा, तो ध्यान रखो 20 दोनों जगह है लेकिन हम 20 हमेशा वही कंसीडर करेंगे जो लोअर लिमिट में, 30 दोनों जगह है
लेकिन 30 हम वही कंसिडर करेंगे जो लोअर लिमिट में है. दोस्तों इनफैक्ट वो वैल्यू जो लोअर लिमिट में है हम उसको इंक्लूड करते हैं और वो वैल्यू जो अपर लिमिट में हम उसको एक्सक्लूड करते हैं. और इसलिए इस टाइप के क्लास को कहा जाता है एक्सक्लूसिव टाइप ऑफ क्लास. कंटिन्यूअस क्लासेस का ही दूसरा नाम है एक्सक्लूसिव. कोई और नया टाइप नहीं है. कंटिन्यूअस क्लास जिससे आप फैमिलियर हो, जिस वर्ड से आप फैमिलियर हो. कंटिन्यूअस 10-10, 20 पे खत्म 20 से शुरू, 30 पे खत्म 30 से शुरू, इसलिए उसको कंटिन्यूअस कहा जाता है. और इसी क्लास का दूसरा नाम है एक्सक्लूसिव टाइप ऑफ क्लास. इसे एक्सक्लूसिव क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां पर हम हमेशा अपर लिमिट को एक्सक्लूड करते हैं. अपर लिमिट को हम यहां पे हमेशा एक्सक्लूड करते हैं. 10 दो जगह, लेकिन हम 10 वही काउंट करेंगे जो लोअर लिमिट का है. 20 उसी तरह, 20 दो जगह, बट 20 हम वही काउंट करेंगे जो लोअर लिमिट का है. ठीक है, तो इसलिए दोस्तों यहां पर भी 20 दोनों जगह, लेकिन हम अपर लिमिट को हमेशा एक्सक्लूड करते हैं. तो 20 जहां लोअर लिमिट है वहां पे आप लाइन ड्रॉ करो. बराबर, 20 हमें ये नहीं देखना है, 20 हमें ये देखना है, 10 हमें ये नहीं देखना है, 10 हमें ये देखना है. सेम 30 ये नहीं, 30 ये. सो 20 जहां पर भी अपर लिमिट है वहां पे उसको, लोअर लिमिट है वहां पे उसको काउंट करो, और जहां पे 20 अपर लिमिट है वहां एक्सक्लूड करो, इग्नोर. सो 20 आया था नेक्स्ट नंबर, 20 है इस रेंज में, 20 लोअर लिमिट यहां पर, इसलिए इस रेंज में, इसलिए एक लाइन ड्रॉ की. नेक्स्ट 16 का आएगा 10 to 20. अब देखो 5 लाइन का ग्रुप हो गया, 1 2 3 4 फिफ्थ कंपलसरी डायगोनल, 5 लाइन का ग्रुप हो गया, मतलब एक ग्रुप क्लोज. अब अगला फिर से अगर वैल्यू उसी रेंज में आया तो नया ग्रुप बनाओ. अगली वैल्यू 16 उसी रेंज में आई, मैंने अगला नया ग्रुप बनाना शुरू किया. तो 16 देन 39 आएगा यहां अगेन फिफ्थ. 1 2 3 4 39 होगी डायगोनल. ठीक है, चार लाइन होने के बाद फिफ्थ लाइन हमेशा डायगोनल निकाल लो, मतलब काउंटिंग इजी हो जाएगी. अब उस रेंज में फिर से कोई नया वैल्यू आई तो अगला ग्रुप बनाना शुरू. 42 आई यहाँ, देन 48 फिर से यही, 39 देखो इसी रेंज में आई, लेकिन 5 का एक ग्रुप हो गया है नया ग्रुप. सो 39 के लिए अगली लाइन 26 यहाँ, नेक्स्ट 37 फिर से यहाँ, 39 यहाँ, 40 दोनों जगह, बट वो लो जहाँ वो लोअर लिमिट है, मतलब यहाँ 2 5 9 वाली फिफ्थ लाइन है, इसलिए डायगोनल 11 15 19 30 30 दोनों जगह है, लेकिन जहाँ लोअर लिमिट बोल करे. 40 भी दोनों जगह है, लेकिन जहाँ लोअर लिमिट है फिफ्थ लाइन, इसलिए डायगोनल 15. देखो यहाँ एक ग्रुप ऑलरेडी हो गया था, फिर अगली चार वैल्यूज आने के बाद पांचवी वैल्यू फिर से डायगोनल, मतलब दूसरा ग्रुप भी यहाँ पे क्लोज. पहला 1 2 3 4 फिफ्थ लाइन क्लोज, फिर से 1 2 3 4 चार वैल्यू इस रेंज में, इस ग्रुप में आ गई थी, और फिफ्थ वैल्यू फिर से आ गई, इसलिए डायगोनल. ठीक है, फिफ्थ वैल्यू इसलिए आई जो कि हमने डायगोनल निकाल के दूसरा ग्रुप भी क्लोज किया. अभी फिर से अगर इसी रेंज में कोई वैल्यू आई, हम उसको नए ग्रुप से डिनोट करेंगे, फिर से नया ग्रुप बनाना शुरू करेंगे. अगर इसी रेंज में कोई वैल्यू आती है तो न्यू ग्रुप. ठीक है, तो यह आया था हमारा 15. नेक्स्ट 25 अगेन, ये ग्रुप क्लोज, फिर से 15, नया ग्रुप बनाना शुरू. 33 ये ग्रुप भी क्लोज. 27 नया ग्रुप. 28 नया ग्रुप. 15 14 फिनिश. और अब बस इनको काउंट कर लो, इसको बोलेंगे हम फ्रीक्वेंसी. इन सारे लाइन को काउंट कर लो, ये हुआ 5, ये हुआ 5 का एक ग्रुप, 5 का एक ग्रुप 10, और 10 और 3 13. देखो काउंटिंग कितनी इजी हो गई, 5 और 2 7, 5 और 5 10, और ये 5 फिनिश. दिस इज कॉल्ड टैली मार्क कंसेप्ट. चाहे तो ऐड कर लो, 13 and 7 20, 20 and 10 30, 30 plus 10 40, 40 इज द टोटल. ठीक है, पूरे फ्रीक्वेंसी का टोटल 40 आया, और हमें वैल्यूज भी कितनी दी थी, 10 20 30 40, टोटल वैल्यूज भी 40 थी, और ये लग गया 40 का हिसाब, ये लग गया टोटल 40 टोटल फ्रीक्वेंसी. ठीक है, तो ये है ये टैली मार्क कंसेप्ट, जो आपको बोलता है कोई भी इंडिविजुअल सीरीज को आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हो. क्वेश्चन ने आपको क्लियरली 40 स्टूडेंट के ये मार्क्स दिए थे रोल नंबर वाइज, कॉमा कॉमा के, यानी इंडिविजुअल सीरीज के फॉर्म में, और बोला था फ्रीक्वेंसी टेबल इस रेंज को लेते हुए 10 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, मतलब आपको क्वेश्चन ने 10-10 का डिफरेंस रखो, ये हिंट दे दी. हाइट क्लास इंटरवल 10-10 का रखो, यूनिफॉर्म, ये हिंट दे दी, लेकिन कहां तक लेना है वो नहीं बोला है.
तो उसके लिए रूल क्या है कि जो हाईएस्ट वैल्यू जब तक वो कवर ना हो जाए तब तक लो. तो हमने इसमें हाईएस्ट वैल्यू देखा 48, उसको कवर करने के लिए हमें और 30 to 40, 40 to 50 ये 5 ग्रुप लेने पड़े. और बस एक एक वैल्यू लिया, लाइन ड्रॉ करते गए, एक एक वैल्यू लिया, वो जिस ग्रुप में आता है वो लाइन ड्रॉ करते गए. लाइन ड्रॉ करने का भी तरीका 4 vertical, 5th diagonal. अगली फिर से वैल्यू आई तो नया ग्रुप बनाना शुरू, 5-5 लाइन का ग्रुप बनाओ, 4, 5, 4, 5. अगली और आती है फिर से लाइन बनाना शुरू, बट 5-5 का ग्रुप बनाओ, काउंटिंग ईजी हो जाएगी. और सबसे मेन चीज जो आपने सीखी कि जब जब वैल्यू 10, 20, 30 यानी ऐसी आती है जो दोनों जगह है तो वो जहां पर अपर लिमिट बोलकर आई है उसको एक्सक्लूड करो, इग्नोर करो. और वो जहां लोअर लिमिट बनकर आई है, जैसे 10 दोनों जगह थी लेकिन जहां लोअर लिमिट है वो हमने काउंट किया, 20, 30 दोनों जगह था लेकिन जहां लोअर लिमिट है वो काउंट किया, ठीक है. और इस तरह से बनाया आपका दिए हुए इंडिविजुअल सीरीज का फ्रीक्वेंसी टेबल, ठीक है, लिख लो. बहुत आसान है दोस्तों स्टैटिस्टिक्स. इसमें भी हम देखेंगे वैरायटीज. और एक्सक्लूसिव नहीं है यानी कंटिन्यूअस नहीं है तो उसको कंटिन्यूअस में कैसे करना है, डिसकंटिन्यूअस को कंटिन्यूअस में कैसे करना है, वो तरीका भी हमने फर्स्ट सेशन में एक्सप्लेन किया था. काइंडली रिवाइज ऑल दोज सेशंस. ठीक है, देखो एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट. मिसिंग फ्रीक्वेंसी ये कोई नया फॉर्मूला, नई चीज नहीं आपने देखने वाला है. मिसिंग फ्रीक्वेंसी में कोई नया फॉर्मूला वगैरह आएगा ये दिमाग से हटा दो. मिसिंग फ्रीक्वेंसी वही सब चीजें जो अभी हमने देखी लेकिन बस क्वेश्चन पूछने का स्टाइल अलग रहेगा. मतलब देखो क्वेश्चन आपको बोल देगा कि सपोज ये डेटा है एक्स 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और फ्रीक्वेंसी आपको दिया है 1, 5, 6, 3, -2, 8. ठीक है, मतलब क्वेश्चन ने आपको क्या कर दिया है, क्वेश्चन ने आपको यहां पे x दे दिया है, f दे दिया है और एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग रख दी है जो डैश है. ये डैश मतलब क्या है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी. अब मुझे बताओ अब तक क्या होता था, क्वेश्चन आपको पूरा डेटा देता था, आप मीन का फॉर्मूला, मेडियन का फॉर्मूला, मोड का फॉर्मूला उस पर अप्लाई करते थे और मीन मेडियन मोड निकाल लेते थे. अब इस बार क्वेश्चन ने कुछ हट के, मैंने कहा ना यार तरीका आप कोई भी नया फॉर्मूला नहीं सीखने वाले हो, यहां आप सीख रहे हो क्वेश्चन पूछने का नया पैटर्न, नया तरीका. फॉर्मूला सब वो यूज करोगे जो आपने देखा है. तो क्वेश्चन ने इस बार हमेशा पूरा क्वेश्चन देता था, मीन मेडियन मोड पूछता था, इस बार क्वेश्चन ने क्वेश्चन ही अधूरा दे दिया है. क्वेश्चन ने एक्स दे दिया है और एफ में एक वैल्यू मिसिंग रख दी है, बाकी सबकी फ्रीक्वेंसी आपको दी है, 10 की फ्रीक्वेंसी मिसिंग रख दी है.
बट एक चीज अगर मिसिंग है तो पक्का क्वेश्चन एक कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा आपको देगा 100%. अगर एक चीज मिसिंग है तो क्वेश्चन ने कुछ ना कुछ तो एक एक्स्ट्रा वैल्यू आपको हमेशा दी होगी. ये चीज याद रखना, मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बड़ा थीम ही है कि अगर एक चीज कोई तो मिसिंग है तो क्वेश्चन एक चीज एक्स्ट्रा कुछ तो आपको देगा. अब तक सिर्फ डेटा देता था, लेकिन कंप्लीट डेटा देता था, उससे आप मीन मीडियन मोड जो भी है सब निकाल लेते थे. अब क्वेश्चन ने आपको डेटा दिया है लेकिन इनकम्प्लीट दिया है, तो जितनी चीजें वो मिसिंग रखेगा उतना कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा आपको देगा. ये चीज हमेशा याद रखना. इस बार क्वेश्चन ने क्या किया है, ये एक चीज मिसिंग रखी है तो कुछ ना कुछ तो एक एक्स्ट्रा पक्का आपको क्वेश्चन में दिया होगा. और इस बार सपोज वो दिया है आपको मीन, द मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जिसको आप बोलते हो एक्स बार, वो आपको दे दिया है 11. इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन का मीन कितना है 11. तो अब आपको बोला है कि बताओ वो क्या है, वो मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो 10 की फ्रीक्वेंसी वो क्या है जो आपको निकालनी है. तो फिनिश, जो क्वेश्चन कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा देगा उसी के फॉर्मूला को यूज करो और क्वेश्चन को सॉल्व करो. इस बार क्वेश्चन ने एक्स्ट्रा आपको क्या दिया है, मीन, यानी एक्स बार. उसी के फॉर्मूला को यूज करो और क्वेश्चन को सॉल्व करो. देयरफॉर एक्स बार इज इक्वल टू, एक्स बार का फॉर्मूला क्या है, समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ, एक्स बार का फॉर्मूला है समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ. अब समेशन एफ मतलब क्या, इन सब की टोटल. अब देखो जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी उसको कुछ ना कुछ एज्यूम कर लो. अब इस मिसिंग फ्रीक्वेंसी को मैं एज्यूम कर लेता हूं ए, ये जो फ्रीक्वेंसी मिसिंग है इसको मैं एज्यूम कर लेता हूं ए. तो इन सबका टोटल क्या हुआ, 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 3 15, ए को साइड में रखो, 15 प्लस 2 17 प्लस 8 25 प्लस ए. मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपको क्या मिली 25. इन सब कॉन्स्टेंट 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 का एडिशन 25 प्लस ये ए क्या है, अननोन. ए अननोन है, उसको हमेशा अलग रखो. So 25 प्लस ए, ये हुआ समेशन एफ. साथ ही में आपको क्या चाहिए, समेशन एफ एक्स. तो एफ आपको दे दिया है, एक्स आपको दे दिया है. एफ एक्स कैसे निकालना ये भी आपको पता है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन 2, 20, 36, 24, 10 इंटू ए 10 ए 24 एंड 112. और इन सब का एडिशन, अब देखो इन सब का भी एडिशन कैसे निकालना है, 2 ये सबका अलग से करो, मतलब ये हो गया 40, 60, 80, 82, 82, 218, ठीक है, 218, ये हुआ आपका अब तक का 218 पूरे समेशन एफ एक्स के कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट का एडिशन, यानी 2, 20, 36, 24, 24, 112. अब बचा 10 है, 10 ए को अलग से लिखो. बहुत से स्टूडेंट मैंने देखा है, बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, इन सबको ऐड कर लेते हैं और उसमें 10 भी ऐड कर लेते हैं, जबरदस्ती उसमें 10 भी ऐड कर लेते हैं प्लस ए अलग से लिखते हैं. लेकिन ऐसी गलती कभी भी मत करना. ये 10 अब पूरी तरह ए को अटैच हो चुका है, इसलिए 10 भी ए के साथ अननोन बन चुका है. ये 10 ए पूरा कंसेप्ट ही अननोन है. यहाँ पे आपने क्या किया, सारे कॉन्स्टेंट को ऐड किया 25, सारे कॉन्स्टेंट का एडिशन अलग और ये जो अननोन है उसको आपने अलग से लिखा. उसी तरह यहां भी सारे कॉन्स्टेंट का एडिशन अलग और ये इस बार ए अननोन नहीं है, इस बार ये पूरा 10 ए अननोन है. 10 इंटू ए 10 ए, ये पूरी टर्म अननोन है, उसको साइड में लिखो, उसको गलती से भी दोनों को क्लब मत कर दो, ठीक है. क्योंकि मैंने बहुत से स्टूडेंट देखा है सबका एडिशन अलग प्लस उसमें 10 ऐड कर लेते हैं, सो 228 प्लस ए, पूरी तरह ब्लंडर मिस्टेक, ठीक है. सचिन तेंदुलकर ने या विराट कोहली ने अगर सेंचुरी भी बनाई है पर अगर इंडिया हार गया है तो वो भी हारे हुए ही काउंट होंगे, ठीक है. कोहली ने बना दिए 150 रन बना दिए, लेकिन अगर इंडिया हार गया है तो विराट कोहली भी हार गया है, कितने भी रन बनाओ. उसी तरह 10 कॉन्स्टेंट अकेले में भला ही है, लेकिन वो ए के साथ अटैच हो चुका है. ए क्या है, अननोन, ठीक है. तो ये 10 जो वैल्यू है वो ए के साथ अटैच हो चुकी है, इसलिए ये 10 इंटू ए, ये 10 इंटू ए, ये पूरी अननोन है. तो जैसे आपने यहां पे ए को अलग रखा है, बाकी कॉन्स्टेंट को अलग से ऐड किया है, यहां पर भी वही करो, बाकी कॉन्स्टेंट को अलग से ऐड करो और ये पूरे 10 ए को अलग करो, ये पूरे 10 ए को अलग करो, यही थीम है, ठीक है. तो बस देखो इतना सब हुआ. नाउ अब सारी वैल्यूज रखो. एक्स बार कितना रखोगे आप,
एक बार आपको क्वेश्चन ने दिया है 11, क्योंकि मैंने कहा है एक अगर कुछ मिसिंग है तो क्वेश्चन कुछ ना कुछ एक पक्का आपको देगा. सो आपने रख दिया समिशन एफ एक्स है 218 प्लस 10a, कंपल्सरी 10a साइड में रखो, 10 इधर ऐड करके a को अलग मत करो, और समेशन एफ है 25 प्लस ए, खत्म. अब 25 प्लस ए पूरा ब्रैकेट इधर डिवाइड कर रहा है, इधर 11 को मल्टीप्लाई कर लेगा, आरएचएस में बचा ये 10 ए प्लस 218. नाउ 25 से अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 275 प्लस 11 ए इज 218 प्लस 10 ए. अब 10 ए इधर आया, क्या हुआ, माइनस हो गया, 11 ए माइनस 10 ए ए, 10 ए प्लस ए एक साइड में रखो, कॉन्स्टेंट मॉडल दूसरी साइड में. सो 11 ए, ये 10 ए इधर आया माइनस हो गया, सो 11 माइनस 10 ए और 275 कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट दूसरी साइड में, 275 उधर गया माइनस हो गया, ठीक है. सो 218 और 275 उधर गया माइनस हो गया, 10 ए प्लस ए इधर आया माइनस हो गया, 11 माइनस 10 ए, 11 ए माइनस 10 ए क्या हुआ ए, एंड 218 माइनस 275 माइनस 57. सो ये जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी ये क्या बनी, माइनस 57. ये जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी डैश थी जिसको आपने ए बोल दिया था वो क्या बना, माइनस 57. दोस्तों फ्रीक्वेंसी निगेटिव में नहीं आएगी, बट डोंट वरी, ये क्वेश्चन जो है मैंने अपने मन से कुछ भी ले लिया था ना, ये मीन जो है अपने मन से मैंने कुछ भी दे दिया था, इसलिए फ्रीक्वेंसी यहाँ पे निगेटिव में आई है. सो डोंट वरी, आप पैटर्न पे आपने कैसे सॉल्व किया है उस पर फोकस करो, ठीक है. एग्जाम में सेम यही क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन यही वैल्यू आपकी कुछ और आएगी, क्योंकि क्वेश्चन ने आपको ये मीन जो है वो जरा सोच समझ कर लॉजिकल दिया होगा. यहाँ मैंने रैंडमली कुछ तो दे दिया, क्योंकि यहाँ पे मुझे मतलब नहीं है कि वैल्यू क्या आने वाली है, मुझे आपको खास फोकस करवाना है. मेरा मतलब है इस टॉपिक में कि निकालना कैसे मिसिंग फ्रीक्वेंसी, आप उस पर फोकस करो, ठीक है. मेरा मेन मतलब क्या है इस पूरे एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करने का, हाउ टू सॉल्व, हाउ टू फाइंड मिसिंग फ्रीक्वेंसी, वो प्रोसेस क्या होती है. तो देखो दोस्तों, मिसिंग फ्रीक्वेंसी ये रत्ती भर भी, बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं सर मिसिंग फ्रीक्वेंसी, सर मिसिंग फ्रीक्वेंसी, मिसिंग फ्रीक्वेंसी ये कोई भी अलग कंसेप्ट नहीं है. मिसिंग फ्रीक्वेंसी उन्हीं मीन मेडियन मोड को बनाया, उन्हीं के फॉर्मूला से बना हुआ कंसेप्ट है, सिर्फ क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है, क्वेश्चन पूछने की स्टाइल अलग है. वो कैसे, वो भी आपने देख लिया कि अब तक कंप्लीट डेटा दिया होता था, एक्स एफ क्लासेस एफ सब दिया होता था, मीन मेडियन मोड आप निकाल लेते थे. इस बार क्या हुआ है, इनकम्प्लीट डेटा है, एक्स तो पूरा दे दिया लेकिन फ्रीक्वेंसी में कुछ तो चीज मिसिंग है. एक्स पूरा दे दिया लेकिन ये वाली फ्रीक्वेंसी मिसिंग थी, बट मैंने जैसे कहा कि फ्रीक्वेंसी में अगर एक चीज मिसिंग है तो क्वेश्चन एक एक्स्ट्रा चीज कुछ तो आपको देगा. अब तक वो कभी भी मीन मेडियन मोड दिया था नहीं, इसके पहले जब भी देता था कंप्लीट डेटा देता था, मीन मेडियन मोड हम निकालते थे, लेकिन इस बार उसने एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग दे दी, तो एक कोई तो एक्स्ट्रा चीज उसने दे दी हमें मीन, ठीक है. दो फ्रीक्वेंसी अगर मिसिंग होती तो दो एक्स्ट्रा चीज देता था, तीन फ्रीक्वेंसी मिसिंग होती तीन देता था. तीन तक मैक्सिमम पूछते नहीं है, एक या दो तक ही पूछते, मैक्सिमम एक या फिर दो, तीन तक नहीं पूछते. लेकिन डोंट वरी, अगर तीन भी मिसिंग होती तो तीन वैल्यूज वो एक्स्ट्रा देता. जितनी चीज वो मिसिंग रख रहा है उतनी कुछ ना कुछ वो तीन चीजें अलग अलग एक्स्ट्रा आपको देगा, और बस उन्हीं को यूज करो, जो अलग अलग चीजें वो दे रहा है आपको बस उसी को यूज करो और मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालो. जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये मिसिंग थी, एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग थी, एक उसने चीज दे दी हमें एक्स्ट्रा, मीन 11. तो बस मीन का फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अब ये चीज बाय हार्ट हो जानी चाहिए. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मीन का फॉर्मूला होता है ये, हमने मीन का फॉर्मूला यूज किया स्टेप बाय स्टेप, ठीक है. एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एफ एक्स अपॉन समेशन एफ. एक्स बार हमें पता था मिसिंग फ्रीक्वेंसी में जो मिसिंग है उसको मैंने ए ले लिया, तो सबका एडिशन में कैसे करना है एडिशन वो भी समझो, कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट का अलग से प्लस ये अननोन एज इट इज, तो ये समेशन एफ मिल गया. समेशन एफ एक्स, तो उसके लिए पहले एफ एक्स का कॉलम बनाना है, वो भी कैसे बनाना है आपको पता है, एफ इंटू एक्स एफ इंटू एक्स और उन सबका समेशन. तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी ए हो गया, सो 10 इंटू ए, ये 10 ए पूरी टर्म अननोन है. जैसे मैंने कहा कोहली से सेंचुरी भी मारी है पर इंडिया हारा तो वो भी हार गया है, उसी तरह 10 भला ही कॉन्स्टेंट है बट वो ए के साथ चिपक गया है, ए के साथ मिल गया है, तो ये पूरी 10 ए टर्म अननोन है, ठीक है. तो ये कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट का अलग से एडिशन करो, गलती से भी ये 10 इन कॉन्स्टेंट में एड मत कर दो, पूरा 10 ए अलग रखो, या 50 ए होता 50 ए अलग लिखते थे, या 28 ए होता था 28 ए अलग लिखते थे, क्योंकि वो पूरी टर्म अननोन है. अब
तो इन सब कांस्टेंट का अलग से एडिशन, 10a अलग से, और बस फिर फ्रीक्वेंसी का मीन का जो हिंट दिया है उसको मीन दिया है, इसलिए मीन, मेडियन दिया होता था तो मेडियन, मोड दिया होता था तो मोड, जो हिंट दिया है उसको यूज करो मीन, जिसका फॉर्मूला ये है, एक्स बार पता है, एफ एक्स हमने निकाल लिया, एफ हमने निकाल लिया, रख दिया, कैलकुलेशन किया, आंसर आया। यह फ्रीक्वेंसी जो है वो माइनस में आई है, नॉर्मली माइनस में नहीं आएगी, बट जैसे मैंने कहा यहाँ मुझे वैल्यू से आपको फैमिलियर कराना ही नहीं था, यहाँ मुझे आपको फैमिलियर कराना था प्रोसेस से कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी को कैसे सॉल्व करना है, तो ऐसे सॉल्व करना। एग्जाम में वही मीन आपको लॉजिकली दिया रहेगा तो आप आराम से बता दोगे कि यस, यहाँ पे आप आराम से बता दोगे कि यस मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो ये है, जो कि बिल्कुल पॉजिटिव आएगी क्योंकि वो क्वेश्चन लॉजिकल हो गया, तो मैंने उटपटांग अपने मन से दे दिया, जस्ट हाउ टू सॉल्व ये प्रोसेस आपको बताने के लिए, ठीक है। तो एग्जाम में बस क्या फर्क रहेगा, सब डेटा एग्जैक्ट रहेगी, प्रोसेस एग्जैक्ट रहेगी, सिर्फ ये एक्स बार जो मैंने 11 अपने मन से दे दिया वो कुछ तो लॉजिकल वैल्यू रहेगी, जिससे एग्जैक्ट यही फिर से फॉर्मूला इसी तरह कैलकुलेशन करके मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपकी पॉजिटिव आ जाएगी, ठीक है। तो फिलहाल इग्नोर करो पॉजिटिव निगेटिव को, फिलहाल फोकस करो हाउ टू सॉल्व इस प्रोसेस पे, वो क्लियर हुआ। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी का सबसे बड़ा थीम वही है, एक चीज मिसिंग तो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछना देगा, दो चीज अगर मिसिंग है तो दो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चीज देगा, तीन फ्रीक्वेंसी मिसिंग है तो तीन एक्स्ट्रा देगा, और उन हर चीज को एक एक करके यूज करो और मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालो। जैसे इस क्वेश्चन में एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग थी तो एक क्वेश्चन ने एक्स्ट्रा चीज दी थी, उसको यूज किया, मिसिंग फ्रीक्वेंसी मिल गई। और लास्ट चीज फिर से याद रखने का, ये अननोन को हमेशा अलग रखो, कॉन्स्टेंट की एडिशन अलग, अननोन अलग, कॉन्स्टेंट की एडिशन अलग, ये अननोन जो 10a है ये पूरा अलग, सिर्फ a नहीं, इस बार जो भी a के साथ मिला हुआ है वो भी अननोन है, वो पूरा अलग। फिनिश, लिख लो मिसिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों ये कोई नया कंसेप्ट नहीं था, इसलिए मैंने कहा था टैली मार्क ये हमारा लास्ट कंसेप्ट था जिससे मुझे आपको फैमिलियर कराना था। लेकिन मैंने बहुत से स्टूडेंट से सुना है सर मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्या है, उनको एक अलग से उसका डर, उनको एक अलग से कंसेप्ट फोबिया लगता है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया मिसिंग फ्रीक्वेंसी बिल्कुल कुछ अलग चीज नहीं है, जो दुनिया हमने देखी उसी को घुमा फिरा कर एक अलग स्टाइल से पूछा हुआ क्वेश्चन, जिसको सॉल्व करने का पैटर्न वो है, जो हिंट वो हमें देगा एक्स्ट्रा उसको एक एक करके यूज करो, मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालो, और कंपलसरी एक फ्रीक्वेंसी मिस है तो एक एक्स्ट्रा चीज हो देगा, उस तरह दो है तो दो देगा, हर एक दोनों को यूज करो दोनों मिल जाएगी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो बस ये है ओवरऑल दुनिया ऑफ मिसिंग फ्रीक्वेंसी, और ये है ओवरऑल इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स का कंसेप्ट, ठीक है, जिसमें हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की पूरी दुनिया देखी। अब नेक्स्ट सेशन में हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन देखेंगे, ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट, गुड डे। पूरा रिवाइज करो, वास्ट टॉपिक है, लेकिन ये सब चीजें अगर क्लियर हो गई ना, कोई भी क्वेश्चन उसने फेंकने दो आप पे, किसी भी लैंग्वेज में आप आराम से उसको टैकल कर लोगे, कैसे वो भी हम देखेंगे। ये तो हमारा सिर्फ अभी तक क्या चल रहा है, इंट्रोडक्शन, एक्चुअल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन तो हम देखेंगे, लेकिन आप देखोगे वो आपको इतना ईजी लगेगा कि सर वही है, हर चीज वही है, कोई नया है ही नहीं, क्योंकि ओवरऑल दुनिया ही आपने देख ली, इससे नया क्या रहेगा, ठीक है। तो बट हर चीज रिवाइज करो, क्लियर।